दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ना, मेरे को तो लग रहा है, विद उशी एंड ऑल द बैकग्राउंड सेटअप, थ्रोन ऑफ उशी इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट आई राम थिंक. राम वनवास गए आ रही होंगे. वी हैव स्टार्टेड बाय द वे, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया. ओह ठीक है, चलो भाई मैं ये इंट्रो देने का ट्राई करता. चलो भाई, वेलकम ऑल ऑल द व्यूअर्स, जितने 100 लोग हैं. फॉर यू गाइस वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट एक सौ फॉर ऑन द पांच टॉपिक एक सौ ऑफ पांच 105, सॉरी द नंबर हैज बीन करेक्टेड. सो वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट ऑन द टॉपिक ऑफ मूवी. आई थिंक बहुत सीरियस बातें हो गई, अभी थोड़ा सा चिल मारते. एंड वी हैव वन ऑफ द चिलेस्ट गाइज हियर. मामा है, कबीर है, यो. शंतनु एंड वल्लभ की उषी. आई थिंक वी कैन दोज आर द चिलेस्ट गाइज दैट वी पाव वी कुड फाउंड. एंड डिस्कस करेंगे आज कि कौन से कैसे मूवी स्टार्ट किया, क्या मूवी चॉइसेस चेंज हुई, और व्हाट इज आवर फेवरेट एक्टर मूवी एंड अपनी मेमोरीज ऑन इनसाइड द मूवीज. गोविंदा से लेकर गॉडफादर तक एवरीथिंग शुड बी डिस्कस टुडे. चलो स्टार्ट करना है क्या? हाँ, स्टार्ट करते हैं. ओके मतलब तो नहीं आएगा तो मैंने कांचा खोला लिया अभी. अपने को थंबनेल भी मिल गया, कबीर का पिक्चर डालने का भाई, बस खत्म, व्यूवर्स ऐसे ही आ जाएंगे. ठीक है, तो है विवेक चल तू फर्स्ट चलो. टॉपिक से शुरू कर. हाँ, तो मेरा तो बेसिक पहले से स्टार्ट ये था कि मेरे मूवी गोइंग जो पहला एक्सपीरियंस है, मेरे को जब मैंने रियलाइज किया कि सबका अलग अलग है, फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट टाइम जो थिएटर में गए, तो मेरे को सबका वो जानने का है कि यार पहला मेमोरी क्या है, क्योंकि मेरा बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत बाद में है, इसलिए आई लेट यू गाइस गो फर्स्ट, फिर मैं बाद में अपना बताता. ठीक है, जब तक वल्लभ आएगा वल्लभ, बट ठीक है, लेट्स गिव वल्लभ सम कंटेंट. तो मेरा पहला ऑफिशियली क्या है वो तो पता नहीं, बट जो मुझे याद है वो है मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की. तो दैट इज वेयर द ऑब्सेशन स्टार्टेड. विवेक ऑलरेडी क्रिंज लुक दे रहा है, तो ये मेरे से कॉन्टेंट है. बता, जिस मूवी का ज्यादा सीन से याद नहीं है, थिएटर भी याद नहीं है, बस वही था कि वो यूरोप में घूम रहा है और फिर एक उसका जो लास्ट आइकॉनिक फाइटिंग सीन है वही मेरे को याद है. सो पूरे रोमांटिक मूवी का मेरे को लास्ट का फाइटिंग सीन याद है एक 4 साल के बच्चे को. तो मेरा टेक अवे तो ये था कि अच्छी एक्शन मूवी थी करके. तो ये वन मेरा ऑफ द फर्स्ट. बेस्ट, वन ऑफ द अच्छी मूवीज है वैसे. डीडीएलजे आई लाइक, एनीवेज शाहरुख खान. बट दैट वाज माय फर्स्ट मूवी गोइंग एक्सपीरियंस. मोस्टली पंचशील लोग ऐसे मेरे को लग रहा है. पंचशील भाई. पंचशील इज द बेस्ट. शंतनु तेरा क्या था? मेरा जो फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस था वो शायद से हमसे है मुकाबला एक मूवी आई थी. उसमें एक गाना था कि ये प्रभु देवा का मुक्काला मुकाबला. राइट. हाँ, यानी तो मेरे को गाना पता है. वो मैं पेरेंट्स के साथ देखने गया था. जितना मुझे याद है, जितना मैंने पूछा घर पे कि कौन से लेके गए थे मुझे तब, तो तब शायद से मुझे याद है कि यानी पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वल्लभ के पेरेंट्स भी थे, क्योंकि ऐसे कंबाइन करके हम लोग गए थे तब. तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. बट तू बिल्कुल वल्लभ जैसा नहीं बना, दैट इज गुड. दैट इज गुड पॉइंट. मामा अबे ये वही वो टाइम कैसे सब लोग नॉट जस्ट फैमिली फैमिली के मतलब एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह सब लोग मिलके जाते थे. तो वो याद है मेरी मेरे को. मेरी पहली मूवी बॉर्डर ही है. और वो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा भाई आत्या काका उनके बेटे ऐसे 15-20 लोग पहुंच गए थे थिएटर में पंचशील में ही. और मतलब वहां पे पंचशील में कैसे वो प्लास्टिक वाली सीट्स रहती है, मतलब जैसे वाह. ट्रेन में स्लीपर क्लास में रहती है ना वो वाली प्लास्टिक लेदर की सीट्स, उस पे हम बैठे थे. बोला वो आप क्या एक नंबर सीट से वगैरह. और हमारे आगे का जो फर्स्ट क्लास था उसमें बेंचेस थे, जो ऐसे डॉक्टर की लाइन में वगैरह थे ना डिस्पेंसरी में, वैसे बेंचेस थे. उसको सीट पीट टिकने को भी नहीं था, इतना ये था वहां पे. बट मेरे को याद है मतलब
बहुत सारे सीन्स याद है, कंपैरेटिवली मैं सब 5-1 साल का ही था, बट फिर भी मेरे को याद है कि हाँ वहां पे वो तारों पे लटक के अक्षय खन्ना मर रहा है वगैरह, और मैं शक्ति थिएटर में बैठा, ऐसा वो अभी भी है मेमोरीज मां ये शक्ति। मेरे को लगता है देशभक्ति की भावना तेरे में तब से यानी ये हुई है। यस दैट एक्सप्लेन्स सो मेनी थिंग्स मेरे को तो लग रहा है। को मेरा मेरा चंद्र ने जैसे बताया कि हाँ हम लोग साथ में जा रहे थे पिक्चर देखने को, बट मैं मेरे फादर को उसमें क्रेडिट दूंगा। मेरे डैडी बहुत लाइक पहले से पिक्चर देखते आ रहे हैं, और हमेशा हमारे घर पे वो बहुत माहौल था कि यानी जब भी तब आई गेस HBO आधे टाइम के लिए आता था और कार्टून नेटवर्क आधे टाइम के लिए आता था जितना मेरे को याद है। HBO रात को आता था 9 बजे के बाद, तो HBO पे रात को जेम्स बॉन्ड का पिक्चर लगता था, तो डैडी वो दिखाते थे मेरे को कि हाँ ये देख करके। मेरे को हॉलीवुड का फैसिनेशन बहुत उनकी वजह से लगा है, और मेरा फर्स्ट मूवी मेरे ख्याल से इट वाज समहाउ क्या बोलते हैं दैट दैट विल टेल अ लॉट अबाउट मी आल्सो। मेरा था कि हम आपके हैं कौन, तो उसमें भाई भी था, माधुरी दीक्षित भी थी, सो आई डोंट नो हाउ टू ये, बट आई गेस इट वाज पंचशील म्हणजे रामदास पेठवालाच ना जे ते जो रामदास पेठ का थिएटर नागपूर का वो, दैट इज दिस पंचशील इज राइट वेरी दिस इज वेरी की लक्ष्मी नगर पंचशील काइंड ऑफ है। क्वेश्चन। हाँ दिस इज वेरी लक्ष्मी नगर काइंड ऑफ क्वेश्चन बाय द नहीं तो वे। मेरा 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 शायद वो था यार, अलंकार था मेरा शायद पहला, इसलिए मैं पूछ रहा था जो इधर है ना वो रामदास हाँ पेठ के पास वाला, आई थिंक मेरा अलंकार है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरा पहला वो था, बट हाँ मैंने मेरे को एक और चीज ऐड करनी थी कि एक साइड स्टोरी थी पहले मूवी एक्सपीरियंस के लिए, मेरा छोटा भाई था पुष्कर करके है या नहीं, था नहीं सॉरी, तो उसको हम बहुत छोटा था यार वो, उसको हम यहाँ लेके गए थे स्पाइडरमैन ऑक्टो 2 जो ऑटो ऑक्टेवियस वाला था वो, उसमें वो बहुत रोने लग गया था, तो डैडी उसको वापस छोड़ने गए थे। शंतनु भी था मेरे साथ तब, शंतनु उसके डैडी मैं ऐसे वही यानी टिपिकल लिए। और वो रीजेंट में देखा था एचबीओ वाला शायद। हाँ बहुत ही अजीब थिएटर में देखा था, बराबर हाँ कनेक्ट करते बर्डी हुए बर्डी वाला बर्डी रीजेंट बर्डी का, वाला वहां पे प्रॉपर ऐसे सोफा सेट रहते थे, वो गद्दी के नीचे वो हाँ नेट रहती थी। करेक्ट 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 हाँ इतने वो, जैसा अलंकार वगैरह वाला ना होते थे, हाँ तो सोफा अलंकार वाला किसी नहीं। बैठने के हाँ लिए रहते थे कि कोई और चीज के लिए रहते थे? नहीं नहीं बैठने के लिए बैठने के। रहते तो उधर गए और फिर वो बहुत रोया था। तो आखिरी में जब अभी ये आया स्पाइडरमैन नो वे होम, जब उसमें टोबी मैगवायर वापस आया था, तो पुष्कर ने मेरी टिकट की थी। तो ये एक बहुत अच्छा सर्कल स्टोरी मेरे को बताना था, कैसे बाप हॉलीवुड रे, मेरे वो और मेरे घर के लाइफ में बहुत ज्यादा पहले से और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। टिकट देते हुए तूने वो ऐसे नो नो बॉलीवुड, ज्यादा ज्यादा म्यूजिक बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस है नहीं तो नहीं वो ऐसे मोमेंट था ना, ऐसे तूने ऐसे आंसू वगैरह नहीं किए क्या कि आंसू तो हम हमारे इसमें कैसे ज्यादा ड्रामेटिक होता नहीं, अंकल बेन मर गए तो भी अपने को सुपर हीरो बनने का ये पता रहता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते इधर लोग। ओके मजनू भाई, व्हाट वाज योर फर्स्ट गोइंग एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैंने मूवी शायद हाँ वो टीवी पे तो हम आपके कौन टाइप ही कुछ देखी थी, थिएटर का नहीं, मैं एक्सपीरियंस थिएटर वाला पूछ ला। थिएटर का जो मुझे याद है वो, मैं मेरे पापा तब डिब्रूगढ़ में थे, आसाम के एकदम कोने में, वो वहां पे हम कहो ना प्यारे देखने गए थे सब, और भाई ने रोना शुरू कर दिया था, जो अपने भाई ने किया था सेम मेरा भी छोटा भाई ने, उसने रोना शुरू कर दिया था, तो बीच मूवी छोड़ के जाना पड़ा हमको। वैसे भी समझ नहीं आ रही थी कुछ भी हो रहा था, मर गया फिर वापस जिंदा हो गया, फिर आई मड़े तल मड़े थोड़े कैसा मतने, साला तुमको इंसेप्शन समझ में आते और कहो ना प्यार नहीं समझ में आ रही है। तो उसके बाद मैंने 4 बार देखी तब जाके समझी मुझे। ठीक है। आई थिंक मेरा 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 काफी सब लोगों से अलग है। सो इन माय केस व्हाट हैपेंड वाज, मेरे मॉम एंड डैड मेरे आने से पहले बहुत ही ज्यादा मूवीज देखते थे, हर फ्राइडे हर एक मूवी देखते थे, और मेरे आने के बाद उन्होंने बंद ही कर दिया डायरेक्ट। एक भी मूवी यानी वो थिएटर में नहीं जाके देखते थे, ऑब्वियसली टीवी पे तो चलता रहता था। तो मेरा फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस काफी अनपॉपुलर मूवी का है। मेरा फर्स्ट मूवी का एक सर स्लमडॉग मिलियनेयर का है। मैं 10वीं के बाद सुबह 6 बजे ऐसे 10-10 रुपए जमा करके मैं गया था, ठीक है, ये करने के लिए। और
फिर मैंने क्या किया वहां पे, पहले बार पहला अटेम्प्ट ऐसा था कि मैं गया ठीक है, और 6 बजे पहुंच गया, तब थिएटर ही शुरू नहीं था तो साइकिल पार्क करने के लिए जगह नहीं थी, तो बाजू में समोसे का ठेला था तो मैंने समोसा खा लिया, तो मेरे पैसे खत्म हो गए मुंह के लिए। उस दिन वापस गया, फिर दूसरे दिन ज्यादा रुपए लेके आया और फिर हमने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी। तो मेरे को तो स्लमडॉग मिलियनेयर हमेशा से फिर वन ऑफ द बेस्ट ऑस्कर मूवीज लगती है तब से। तेरी लाइफ जस्ट बिकॉज़ ऑफ तेरी तेरी मूवी गोइंग स्टोरी भी स्लमडॉग मिलियनेयर के स्टोरी लग रही है मुझे। होपफुली कभी नागपुर में केबीसी होगा तो मैं बता पाऊंगा कि सिनेमैक्स की पहली वाली टिकट कितने की थी, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू माई स्टोरी एज वेल। तो मैं आई थिंक सबने बहुत ही अर्ली अर्ली स्टेजेस में देखा है और मैंने बहुत ज्यादा लेट, और तब से आई मीन तब से मेरे को यानी मेरे को लगता है एज ए थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस इज गुड फॉर मी, और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहती है जब भी मैं थिएटर जाता हूँ। और सबसे टट्टी चीज है कि यूके के थिएटर बहुत ही चूतिया है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत मिस करता मैं। I mean, अभी मेरे को ये ज्यादा है कि ऐसे what do you guys kind of are watching now, right now, ऐसे क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं क्योंकि मेरा अभी तो ऐसा है मूवी का ऐसा है कि मैं मूवी नए वॉच नहीं रीवॉच ज्यादा करता हूँ ऐसे मेरे को लगता है। अब नागपुर में तो ऐसा हो गया था कि मैं आई यूज टू वॉच वन मूवी, पहले मैं खुद से देखता था ये करने के लिए, क्या बोलते उसको, सेंसर करने के लिए कि घर वालों को दिखाओ कि नहीं। फिर मैं खुद के घर वालों के साथ देखता था और फिर दीपाली के घर वालों के साथ देखता था, सो मैं एक मूवी ऑलमोस्ट 3 टाइम देखने लग गया था, और इसलिए फिर पुरानी मूवीज ज्यादा देखता हूँ आजकल। सो व्हाट डू यू गाइस आर वाचिंग, मेरे को जानना है। से पहले एक पूछना था, यूके के थिएटर्स में अलग क्या है जो तू इतनी गालियां मार रहा हूं इनको? अरे ऐसे 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 छपरी ऐसे छोटे से स्क्रीन रहते, और अपने इधर ऐसे मूवी रहा तो ऐसे एक्साइटमेंट रहती ना, लोग ऐसे ऐसे जाते अच्छे से कि भाई आधा घंटे पहले पहुंच के अपन तैयारी में कर रहे वगैरह। यहाँ के थिएटर में कुछ फील ही नहीं है ऐसे, कोई भी मूवी जाओ। मैं अभी ये गया था, कौन सी वो बड़ी वाली मूवी गया था, ये कौन सी वो वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर तो बिग यानी थोड़ा सा यही था ना, थिएटर में 10 लोग थे बस, और वो भी ऐसे थकेले सामान देख रहे, चुम्मा चाटी भी नहीं कर रहे, यानी मेरे को लगा है उसके लिए तो भी आए होंगे, कुछ भी नहीं। अरे वो सब इंडियन प्रॉब्लम है भाई, यूके में नहीं रहता है। तो मेरे को वो है ना कि कुछ तो इवेंटफुल हो, ऐसे ऐसे कोई ऐसे मार्वल का है तो ऐसे, और सब वाइट्स होंगे इसलिए शायद नहीं था, बट एनीवेज। तो इंडियन मूवीज में भी ऐसे ही रहता है क्या? पठान देखने गया था भाई, पठान देखने गया था, उसमें लिटरली 4 लोग थे यानी मेरे और दीपाली को पकड़ के, ठीक है, प्लस प्लस मूवी वाज आई मीन नॉट टू हर्ट एनी फीलिंग्स वाज वर्स्ट एट द बेस्ट, इतना ही बोल सकता मैं। यानी मेरे को एटलीस्ट वो लास्ट में जो मैं जो पठान पे नाचने को मिल गया रहता तो इट वाज वर्थ, बट इट वाज नॉट देयर ब्रो। और वो ऐसी थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन थी जो मैं पठान देखने गया था, उस पे मेरे को वीएफएक्स के ये भी दिख रहे थे गैप्स, तो और भी खराब लग रहा था। बट अपने जैसे आईनॉक्स वगैरह का फील है वैसे बिल्कुल नहीं है, ऐसे बड़ा इवेंट नहीं रहता मूवी गोइंग, इनके लिए मूवी गोइंग चले गए ऐसे, अरे बाजू नहीं जाता तो चल पाउन की वस, क्योंकि इनके सबके घर में ऐसे बड़े बड़े शायद टीवी रहते हैं, इसलिए ऐसे लग रहा है मेरे को। मे बी, या फिर विवेक का बैक टू विवेक्स क्वेश्चन व्हिच वाज, मेरे को लगता है बैक टू माय क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? आजकल क्या देख रहे हो? मेरे को ये जानना था कि मेरे को भी सजेशन चाहिए थे इसलिए। मैं यूट्यूब पे ब्योमकेश बख्शी के सारे एपिसोड बिंज वॉच किया पिछले 2 दिन से। दूरदर्शन डीडी का चैनल है यूट्यूब का, उसपे 25 एपिसोड मैंने देख लिए, आधे आधे घंटे के एपिसोड है, और ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं रहता, मतलब सिंपल सिंपल एकदम डिटेक्टिव स्टोरी होके भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहती है, बट अच्छा लगता है कि हाँ ये बचपन में देखा था अपन, ये एपिसोड याद है मेरे को, ऐसा तो बस वही है ना, नॉस्टैल्जिया पे ही वो चल जाता है।
यानी सभी, यानी मेरे को लगता है तू भी नॉस्टैल्जिया पे जी रहा है, अभी नए एक्सप्लोर करना थोड़ा सा कम हो गया आगे 30s में भाई। हाँ शंतनु तू क्या देख रहा है आजकल? मैं तो ऑफिस देख रहा हूँ आजकल, बट हाँ मूवीज के मामले में बोर हो जाता तो मराठी मूवीज, मराठी मूवीज देख लेता। अच्छा भाई हाँ ये थोड़ा दो शंतनु, दो शंतनु, हाँ तू मजनू है और वो शंतनु है, ठीक है बट तू तू बोल सकता है वैसे, यानी मैं ऐसे ही बोल हो गया मेरा मराठी मूवीज देखता है तू? कौन सी मराठी मूवीज देख रहा है? बीच में मैं अशी बनवा बनवी देख रहा था, वो बहुत ही मतलब तब मैं अप्रिशिएट नहीं करता था वो सेंस ऑफ ह्यूमर, बट अभी मुझे लगता है कि यार ये भी सही है, मतलब नॉट बैड कि कुछ भी टाइम पास होते रहता है, वो रैंडम लक्ष्मीकांत बर्थडे प्रेग्नेंट वगैरह हो जाता है, कुछ भी होते रहता है उसमें तो अब मेरे को यस बहुत ऐसा लगता था ये क्या भाई है चूतिया पास चल रहा है, बट अभी आई एम लाइक हाँ ठीक है, गिवन द डिप्रेसिंग टाइम्स आई थिंक वी शुड एंजॉय मूवीज एज वेल। मेरे को लगता है इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट क्या बोलते हैं थिंग कि शंतनु घर पे, शंतनु मजुमदार मी एंड समहाउ विवेक सहारे आर आल्सो ऑन द सेम और इवन मामा टू सर्वेश वेंदर टू सम एक्सटेंट। अशी बनवा बनवी पे एक अलग एपिसोड बन सकता है पूरा, लाइक हमने बात की है अशी बनवा बनवी नवरा मादा नवसा, लाइक इट इज सच अ कल्ट। नहीं, मराठी कॉमेडी मूवीज पे पूरा बन सकता है, हाँ वही और लाइक वही बोल रहा मराठी हूँ ना, मराठी कॉमेडी मूवीज एक अलग ही रह सकता है, जैसे मेरे को याद है यार शंतनु वगैरह लोग, नहीं सॉरी शंतनु मजुमदार वगैरह लोग लाइक बट डायलॉग से डायलॉग पार्ट है यार, लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन दो लोग के बीच में जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बात करते करते ही ऐसे कि अबे टेनिस बॉल हारवला है आने का, नहीं नहीं तुम 70 रुपए वार ले, अरे ये ना इट यूज टू कम आउट ऑफ नोवेयर यार, ऐसे कैसे 70 रुपए वार ले अरे श्रीवल्लभ आम्ही त्या पिक्चर मध्ये होतो, आमचं नाव आहे त्या पिक्चर मध्ये। और शंतनु आहे त्याच्यामध्ये, शंतनु आहे करेक्ट, दोन दोन शंतनु इथे पण आहे सो अरे देयर हाँ भाई 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 बट हाँ शंतनु मजूदार को बता देते पहले अपन अभी क्या देख रहे हैं फिर मैं बताता बाद में। मैं ना जैसे अभी मराठी तो देखता ही हूँ बीच बीच में, जैसे शंतनु घारपुरे ने कहा कि अशी बनवा बनवी वो कल्ट क्लासिक है यार, वो ऑलमोस्ट सभी ने देखा ही है वो मूवी, अपने पेरेंट्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है अपने को, और वो मूवी तो मस्ट वॉच है ही। बट मराठी के अलावा मैं हिंदी पुराने भी देखता हूँ, अमोल पालेकर के पुराना गोलमाल वो देखता हूँ, फिर अमोल पालेकर का छोटी सी बात करके एक मूवी है, वो भी बहुत सिंपल एंड गुड, बहुत सही मूवी है वो पिक्चर जरूर देखना। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वो मूवी जरूर देखना, हॉटस्टार पे है छोटी सी बात करके। ऐसे तो उसमें उसमें बोल अमोल पाल, जस्ट क्विक में बताता हूँ, अमोल पालेकर थोड़ा ऐसे रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है लाइफ में, उसको लड़की पटानी रहती है, तो उसको उसमें अशोक कुमार है, अशोक कुमार उसको गाइड करता है कि कैसे पटाए लड़की को, तो मस्त पिक्चर है वो, देखना चाहिए। मेरे को उसके मामा और बाद लांजेवार की स्टोरी लग रही है। देखो और हाँ देखो एक साइड साइड स्टोरी बतानी है शंतनु की। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे 4 लोग, अमेरा अमेरा सिविल लाइन्स। हाँ हमारा नागपुर टूरिज्म का बहुत अपना ये कर रही थी इधर, हमारा करके एक वेज रेस्टोरेंट है तो वहां पे हम लोग गए थे तो उस पिक्चर में ना शंतनु द रीजन व्हाई वी आर ऑल हियर इंक्लूडिंग शंतनु की वी आर ऑल वेरी लाइक मूवीज और सीरीज प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन आर लाइफ, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शंतनु का ये था कि शंतनु को उसके डायलॉग लर्न है उस मूवी के एज यूजुअल, तो उसने उस वेटर उसमें डायलॉग है कि शंतनु यू वांट टू टेक हाँ दिस, उसमें हाँ कैसा है कि जो असरानी एक्टर है उसमें, असरानी बोलता है, वो डेढ़ छहाना दिखाया है मूवी में, अमोल पालेकर को हमेशा वो ऐसे डाउन करते रहता है वो लड़की के सामने। तो वो एक दिन होटल में जाते हैं और ऐसे चाइनीज वगैरह सब ऑर्डर करते हैं, वो एकदम चॉपस्टिक से वगैरह खाते रहता है, तो जब वो ऑर्डर देने लगते हैं तब वो बोलता है कि पीटर है ना अंदर, उसको कहना कि नागेश साहब का ऑर्डर है, तो वो लड़की के सामने ऐसे दिखाना चाह रहा है कि मेरा पहचान का हाँ कुक अंदर है और हाँ मेरी मेरे लिए वो स्पेशल कुक करके लाएगा हाँ ऐसा। तो हम अमेरा जब गए थे तब तो मैंने चिकन वो तो कहा था बता कि पीटर है ना अंदर, उसको कहना कि नागेश साहब का ऑर्डर है करके वो वेटर वहां पे पगला हो गया, कौन पीटर कौन नागेश क्या तो कैसा अब अपन ट्राई कर तो कि मूवी कोट करूं
करायचं का रिअल लाईफ मध्ये, कधी कधी मजा येते यार. सो तो म्हणून जस्ट ऍटमॉस्फिअर चांगलं करायला आम्ही ते मी हे केलं होतं असं. मैं या के रेस्टोरेंट में ट्राई करूंगा कभी यूके के. हाँ नागेश, हाँ पीटर तो यार पीटर है ना अंदर, नागेश साहब का ऑर्डर है बस इतना ही कहता है. अलाफूज तीन प्लेट. हाँ हाँ और ऑर्डर है ना चिकन अलाफूज तीन प्लेट. और चिकन अलाफूज करके डिश है, मैंने वो यानी वो जो गूगल किया था कि है सच में है क्या. हाँ वो छोटी सी बात हो गया. उसके बाद मैं अंदाज अपना अपना भी देखता हूँ. अंदाज अपना अपना के पीछे रीजन ऐसा है कि जब भी मैं डिप्रेस रहता हूँ या फिर अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं वो मूवी देखता हूँ. उससे मूड फ्रेश होता है. ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसमें जो वो जो मूवी है कल्ट क्लासिक है, वो बेस्ट एवर कॉमेडी इन बॉलीवुड. और एक मूवी है जाने भी दो यारो करके, नसरुद्दीन शाह और एक एक्टर है दीपक भोजानी, ऐसा कुछ नाम है उसका. वो मूवी भी मस्ट वॉच है, जाने भी दो यारो. मला वाटतं हे तीन तीन पिक्चर एक आहेत, जाने भी दो यारो, अंदाज अपना अपना आणि हेरा फेरी. एटलीस्ट वन टू वर लोगों कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस है, बट बेसिकली वन ये तीन मूवीज जो है ये अलग अलग हेरा पे आई है. लाइक वन इज 80s, वन इज 90s एंड वन इज 2000s. मेरे को लगता है ये तीन मूवीज ने ऐसा लाइक कॉमेडी को डिफाइन कर दिया है. और एक साइड टॉपिक वो भी है कि लाइक आजकल कॉमेडी मूवीज बहुत कम बन रही है, कहीं भी देखो, लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज कहीं भी देखो, आई थिंक इट इज लाइक वेरी लेस. तो मेरे को वो बोलना है. चंद्र तेरा हो गया. हाँ मेरा एक लास्ट मूवी था आखिरी में, एक दिल चाहता है सभी ने देखा है. वो मूवी मेरा बॉलीवुड का सबसे फेवरेट मूवी है, क्योंकि वो मूवी तब भी प्रैक्टिकल मूवी था, अब आज भी प्रैक्टिकल मूवी है कि फ्रेंड्स में कैसे झगड़े हो सकते हैं और कैसी रोड ट्रिप्स होती है और ये सब. ओवरऑल जो कंसेप्ट तब लिया था तो वो काफी है. यानी ये मूवीज मैं देखता हूँ हमेशा. मेरे को यार तू आई मीन आई थिंक शंतु ने स्पोकन फॉर एवरी 90s किड्स. आई मीन ये मूवीज सभी. अंदाज अपना अपना, आई थिंक अंदाज अपना अपना में तो मैं आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अंदाज अपना अपना इन कॉलेज बाय द वे. मेरे को पता नहीं थी ये मूवी है करके, मेरे को रैगिंग में दिखाई गई है एंड दैट इज द बेस्ट रैगिंग एवर. आई मीन कि सीनियर्स बैठ के मेरे को दिखा रहे कि तूने अंदाज अपना अपना कैसे नहीं देखी और तू बैठ के देख. I mean that was my task for that earth and I think that is the best my seniors has given me as well. The classics to hai yaar. Aur I think sabse zyada naye explore karne mein to Shreyas Doshi hai. I think I'll Shreyas bata bhai tu kya dekhta hai. Are tune segue mere pe galat isse kya, but theek hai. I think do teen points jo mama ne bolte hai mujhe us pe bhi comment karna tha ki aajkal woh Omkesh Bakshi dekh raha hai to आजकल वेब सीरीज बहुत बन रही है तो इसलिए मूवीज पे आजकल ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे. तो बड़ा इन टर्म्स ऑफ न्यू आई थिंक मैं एक बस नॉस्टैल्जिया नहीं बोलूंगा मैं, बट अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया तो मेरे को अभी आई वांट टू नो कि मेरे को वो मूवी खत्म होने का कैसे फील होगा. तो इसलिए वो कम्फर्ट मूवीज वाला कंसेप्ट अभी मेरे लाइफ में बहुत आ गया. तो रेदर एक्सपेक्ट किया संडे को 3 घंटे मिल गए तो कोई नई मूवी अनलेस इट्स हाईली रिकमेंडेड आई प्रीफर टू वॉच एन ओल्डर मूवी जो मेरे को पता है कि क्या क्या होगा उसमें. तो मैं भी पुराने मूवीज बहुत देख रहा हूँ, जैसे गुडविल हंटिंग कल ही देखी मैंने. फिर लाइक ओल्डर इंग्लिश मूवीज ऐसे, क्योंकि हिंदी मूवीज का अभी वो रहा नहीं. आई थिंक अभी मैं उतना एंजॉय नहीं करता जितने उस एज पे हिंदी मूवीज एंजॉय किए. अभी मेरे को ओल्डर इंग्लिश मूवीज ज्यादा सही लगती है क्योंकि देयर आर मोर लेयर्स जो शायद तुमने जब 20 साल के थे तो तुमको नहीं पता चली थी. तो गुडविल हंटिंग देखी मैंने और एक तो बहुत ही सही मूवी है वो सबने देखनी चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिट्टी. मतलब वो बहुत सही मूवी है. तो वो इट्स लाइक अ लाइट मूवी, कॉमेडी भी है, बेन स्टीलर का टिपिकल स्टाइल है. बट हाँ वो मैं आजकल मूवीज कम देखता हूँ, वेब सीरीज ज्यादा देख रहा हूँ एक्चुअली. तो इसलिए वेब सीरीज पे अलग पॉडकास्ट बनेगा तब बता सकते हो. बट हाँ मूवीज में आई थिंक इंग्लिश मूवीज आई एम रीवॉचिंग ओल्ड क्लासिक्स, IMDb की नहीं इन जनरल. मेरे को लगता है कि आई थिंक द कॉमन ट्रेंड सबका, मेरे को ये लगता है कि सब ऐसे कम्फर्ट मूवीज पे ज्यादा जा रहे हैं. क्योंकि आई रियलाइज माई सेल्फ कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को ऐसे मैं टिक मारने के लिए मूवीज देखता था कि भाई तूने इंसेप्शन देखी क्या, क्या चूतिया तूने इंसेप्शन नहीं देखी. तो मैं ऐसे बहुत दिमाग वाले मूवीज देख रहा ऐसे. अभी मेरे को किसी ने तो भी बोला रहता कि तूने डार्क नहीं देखी क्या, तो मैंने ऐसे जानबूझ के डार्क देखी रहती और समझने का ट्राई किया रहता, फिर उसके फैन थियरीज पड़े रहते. अब मेरा है देखी, तूने देखी ना तू देख ले, मेरे को नहीं देखना.
और मेरा ऐसा उल्टा ट्रेंड हुआ है कि मैं अभी पहले इंग्लिश ज्यादा देखता था, अभी हिंदी ज्यादा देखने लग गया। कोई भी हिंदी नई मूवी आ गई समझ लो, कोई भी चूतिया से चूतिया, अभी ऐसे जैसे वो इसकी आई थी, अभी ये इसकी आई है कोई तो भी गुमराह करके, कोई भी हिंदी मूवी देख लेता। क्योंकि मेरे को ऐसे रहता कि मैं मूवी देखते देखते ऐसे भांडे घास लेता, नहीं तो खाना काट लेता ऐसे, यानी सब्जी वगैरह काट लेता, तो मेरे को ध्यान नहीं देने का है ना ज्यादा। इंग्लिश में मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देके देखना पड़ता कि क्या बोल रहा है भाई ये, तो इसलिए ये मेरा चलते रहता है मेरा। आई थिंक सबका चॉइसेस वही चेंज हो गया। और दूसरा मेरे को लगता है जो चेंज हुआ है, मैं ऐसे स्लाइस ऑफ लाइफ वाले ज्यादा अभी जेनरे प्रेफर करता हूँ। दादी माइंड पहले वैसे माइंड बॉगलिंग माइंड बेंडिंग मूवीज में ज्यादा था, अभी मेरे को ऐसे पंचायत जैसे चीजें ज्यादा पसंद आने लग गई है। और रादर गुडविल हंटिंग मैंने भी परसों ही देखा, गुडविल हंटिंग। आई थिंक इट्स ब्रीड्स अपॉन शेयर्स का नेटफ्लिक्स, और मेरा नेटफ्लिक्स सेम ही है, यानी उसका नेटफ्लिक्स मैं यूज करता तो उसके जो सजेशन आते वो मेरे को आते तो मैंने इसलिए गुडविल हंटिंग देख लिया। एंड गुडविल हंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। उसमें पहली बात तो उसमें कुछ भी नहीं है और बट फिर भी ऐसा लगता है कि अरे मैं अगर स्टोरी बताने जाऊँ गुडविल हंटिंग की तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि उसमें क्या होता है। द मूवी हैज टू बी फेल्ट, इट्स लाइक दैट। सो आई थिंक सबका वही ट्रेंड चल रहा है। नहीं सबका नहीं है, यानी सबको मत डाल सब इसमें, यानी why are you generalizing this? यार मेरे को तुम्हारा बात सुन के आई मीन आई गेट इट कि टाइम नहीं है या लाइक जो भी मल्टीटास्किंग करना है, तो मैं जब ये करना होता है तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। जब पता होता है कि कुछ और काम करना है या कुछ ये है और कुछ बैकग्राउंड में चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू हिस्ट्री वीडियोस लाइक व्हाटएवर यू प्रेफर। सो बट फॉर मी स्टिल लाइक वेब सीरीज एंड मूवीज आर स्टिल अ थिंग विच आई लाइक, आई मेरे को गुड कंटेंट बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम ब्रेनी कंटेंट चाहिए कि हाँ भाई डार्क ही देखना है या 1899 ही देखना है, बट हाँ आई अप्रिशिएट दैट लाइक द एफर्ट दैट दे हैव पुट इन टू मेक सच अ थिंग इन दिस एरा। इट्स अ लॉट लाइक इवन आई वुड से बोजैक टू सर्टन एक्सटेंट कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रेनी, बट हाँ तो ये सब चीजें बहुत आई मीन मुश्किल है बनाना। तो मेरे को वो सही लगता है कि किसी ने ये बनाया है एफर्ट और वो डाला है और लोग देख रहे हैं उसको और अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज द 1899 कैंसल हो गया जैसे सम लाइक क्या सोच रहे नेटफ्लिक्स वाले पता नहीं, लाइक इट इज नॉट पता नहीं शायद ज्यादा सब्सक्राइबर्स विवेक वाले ज्यादा बढ़ रहे कि यानी हाँ मेरे को ये नहीं देखना मेरे को वो देखना है करके, तो आई डोंट नो। बट लाइक 1899 इज वेरी लाइक ऐसे बनने चाहिए कंटेंट, और डार्क बनना चाहिए, चेर्नोबिल बनना चाहिए, लाइक दैट इज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू बी देयर। दीज आर वेरी सीरियस, दीज आर वेरी ब्रेनी या बोल जैसे बोलना है दैट कंटेंट नीड्स टू बी देयर। और दूसरा मेरे को बोलना है कि जैसे जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाला जो विवेक ने पॉइंट लाया फेयर लाइक आई अगर वो अच्छा है तो अच्छा है, लाइक पंचायत इज गुड कंटेंट, सो इट इज नॉट ओनली स्लाइस ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट अ गुड कंटेंट। सो मेरे लिए वो सही है कि हाँ ये बनाया अच्छा गया है, लिखा अच्छा गया है, स्टोरी अच्छी डाली है उसमें, और लाइक जो भी सिनेमाटोग्राफी सब कुछ। एंड फाइनली जो लास्ट पार्ट बोला है कि नॉस्टैल्जिया, तो यार वो तो आई मीन हाँ वो मैं अग्री करूंगा, वो सबकी ही लाइफ में, मैं अभी पल्प फिक्शन देखने वाला था बिकॉज नहीं सब तब तीसरे बार देख रहा हूँ मैं, मेरा एक साइड पॉइंट वो भी था कि मैं मूवीज रिपीट नहीं देखता, लाइक मेरे को अगर एक चीज फिर से देखनी है तो मेरे को उसमें एटलीस्ट एक थोड़ा गैप चाहिए, लाइक 4-5 साल में भूल जाना चाहिए उस मूवी को, तब मैं फिर से देखना चाहता हूँ। मैं वो मूवी फिर से देखने के लिए आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम अगेन इन दैट, आई हैव सीन इट, इट्स अ गुड मूवी, नो डाउट अबाउट इट। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ स्पाइडरमैन अभी रिसेंटली जो है वो 2 बार देखी, एक बार दोस्तों के साथ, एक बार फैमिली के साथ, आई थिंक दैट इज द ओनली मूवी दैट आई हैव सीन अगेन। बट हाँ मैं मूवीज पुराने देखता हूँ, शी बनवा बनवी अंदाज़ा अपना अगेन कमिंग बैक टू द क्लासिक्स, वो तो मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, तो या दैट्स माय टेक। इसमें मेरा एक पॉइंट ये भी था कि जब हम मूवी देखना शुरू करते हैं राइट, देयर इज अ पीरियड ऑफ कैच अप कि तुमको इनिशियली सब तोड़फोड़ मूवीज ही मिलते हैं, तो जब तुम जस्ट मूवी स्टार्ट करना शुरू करते हो तुम उस पॉइंट के पहले जितने भी सही मूवीज बने तुम एक बहुत शॉर्ट स्पैन में देख लेते हो, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है कि भाई अब जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन आएगा एकदम सही रहेगा, बट वो नहीं रहता क्योंकि यू आर कॉट अप नाउ, और अब वो मूवीज बन रही है जो शायद 20-30 साल बाद रिकॉर्ड होंगे तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को, तो इसलिए फिर वो जो एक्सपेक्टेशन एक रहता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इफ यू स्टार्ट लेट्स से कि पहले मूवी तुम बचपन में देख रहे हो और तुमने सब मूवीज नहीं देखे, तो कॉलेज के टाइम पे मोस्टली आई थिंक अपने लिए तो फेज रहा है कि जब इंग्लिश मूवीज काफी सारे आ गए, तो वो 4 साल में जितने मैंने मूवीज
जिस डेंसिटी से देखे चमोली वो मैंने अभी तक कभी नहीं देखी, तो फिर करेक्ट तुम थोड़ा सा लोगों के रिकमेंडेशन पे लाइट मिले, तो फिर तुम जानते हो कि इसका रिकमेंडेशन किस टाइप का है। जैसे अभी मामा ने सर्विस ने बोला था आरके वर्सेस आरके, वो देखे मैंने, वो क्या मूवी है भाई वो। बट वो मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सबको मूवी समझेगी नहीं उसमें। मतलब एक जस्ट जस्ट दे देता हूँ कि उसमें वो रजत कपूर जो है उसका वो पिक्चर है कि इज डायरेक्टिंग अ फिल्म, और उसमें उस फिल्म का कैरेक्टर भाग जाता है पिक्चर से और वो रियल लाइफ में आ जाता है, और उतना सही उसको एक डायलॉग बोलता है कि तुम अच्छे राइटर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अपने कैरेक्टर्स पर भरोसा ही नहीं करते, तुम उनको बांध के रखते हो। तो ये डायलॉग इतना मेटा है ना कि मतलब वो सबको नहीं समझेगा, नॉट मेटलर्जी वाला मेटा, बट फिर वो तुमको अपने रिकमेंडेशन ट्वीक करनी पड़ती है। तो मतलब वो मूवी बहुत ही सही, जैसे मैं मामा के रिकमेंडेशन बहुत दिल से था, उसने कुछ बोला तो मैं लिख के रखता कि वो ये देखिए करके, विवेक ने कुछ बोला तो फिर टाइम पास का भी देख सकते हैं, वल्लभ ने बोला तो वल्लभ आजकल डार्क वार्क जैसे करता है, तो डिपेंडिंग ऑन तुमको किस बंदे से रिकमेंडेशन मिल गया वो मूवीज भी तुम अलग अलग टाइम पे देखते हो, ऐसा मेरे लगता है। तो आई मीन आई वुड एग्री टू दैट पॉइंट, मामा के रिकमेंडेशन इन म्यूजिक एंड मूवीज आई विल जस्ट, मैं आग बंद करके आई ट्रस्ट इट, और एंड इसी मैं बात में गाना भी मामा को सुन लेता अंदर भी हूँ लाना और ये चाहूंगा। भी मेरे को एक चीज ऐड करना था इसमें, बेसिकली जो लारा ने बोला कि हाँ बाकी के रिकमेंडेशंस को अपन भाव देते हैं, बट मेरे को लगता है कि अभी भी अपन उस आई थिंक वी कैन स्टिल अफोर्ड टू एक्सप्लोर द ऑड मूवी। मेरे पास एक एग्जांपल है इसका, जैसे वो सनी देओल की एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली चुप करके, तो उसमें दलकीर सलमान था और एक कोई नई एक्ट्रेस थी। तो आई मीन मैं वो अपना इधर अगेन नागपुर टूरिज्म कुडोस, बट एक छोटा थिएटर है इधर के सेरासरा करके था शायद, छोटा वाला मनीष नगर के पास, तो वो मिनी उसमें चिप्स थिएटर है लेके जा वो सकते हैं अंदर खुद के नहीं, बट ठीक है यानी मैंने वहां से ही पॉपकॉर्न खरीदे। पॉपकॉर्न सस्ते हैं ये मैं बोलूंगा, पॉपकॉर्न समोसा वहां पे सस्ता है, तो आई मैं कैन फैमिली को लेके गया था और भाजी पूरी का डब्बा लेके गए थे लोग वहां पे अबे यार नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट नॉट गोइंग देयर। तो चुप का ऐसा था कि चुप वॉज ऐसे ही टाइम था जो बोल रहे ना कि यानी अभी शाम हो गई है 3 घंटे है किल करने को, क्या करना है तो मूवी जाओ देख के आओ। तो इट वाज अ सरप्राइज, वो एक एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो रिकमेंडेशन से आ गया है या बोलो ओटीटी से आ गया है कि हाँ घर पे देख लेंगे बाद में देख लेंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो मेरे को लगता है कि ओटीटी इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि ओटीटी ने कैसे मूवी कल्चर को बहुत लाइक थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस, जैसा विवेक ने बोला था कि पहले ऐसा रहता था कि आप मामा ने बोला था आई डोंट रिमेम्बर, चंद्र ने बोला था कि गए तो पूरे फैमिली जाता था और वो एक एक्सपीरियंस था, वहां पे समोसा मिलता था वहां पर पॉपकॉर्न मिलता था वही अपने 10 रुपए के। और अभी ऐसा है कि हाँ यार टाइम है अभी लाइक जो भी घर के काम करने हैं तो कुछ देख लेते बाजू में। आई थिंक दैट हैज चेंज्ड अ लॉट, मूवी गोइंग एक्सपीरियंस शुड नॉट डाई, मेरे को ऐसा लगता है हमेशा, लाइक इट शुड स्टिल बी अ थिंग, यू शुड गो वॉच सम मूवीज इन थिएटर्स, यू शुड एक्सप्लोर सम मूवीज इन थिएटर। अगेन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मराठी मूवी का, वाळवी करके अभी आई थी, सो मैं ऐसे ही सॉरी मराठी मूवीज को गया था, तो वेरी गुड मूवी यार, आई मीन वेरी गुड मूवी। हाँ मराठी मराठी मूवी इंडस्ट्री, साउथ इंडियन सारे तीनों चारों जितने हैं सारे मूवी इंडस्ट्री, आई थिंक इनका बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट 2014। बॉलीवुड ने तो मेरे को बहुत 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 आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन द बहुत बहुत कि कितना डिसअपॉइंट किया है पोस्ट ये। आई स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट माई अर्ज टू हेट बॉलीवुड, बट आई मीन इट्स हॉरिबल आउट देयर। लाइक मराठी मूवी इतनी सुंदर बनती है, मैं बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, तमिल तेलुगु सारी मूवीज इतनी, पोनियन सेल्वन 2 आ रहा है, पुष्पा आ रहा है, आर 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 आ रहा है, लाइक आई एम सो एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज मूवीज, एंड इट्स अ ग्रेट चेंज आई फील कि हाँ पीपल आर एक्साइटेड टुवर्ड्स दीज मूवीज। तो मेरे को लगता है कि थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए और नए मूवीज एक्सप्लोर करना अभी भी अपन ने, वी शुड कंटिन्यू दैट, नॉट ओनली लाइक या सही मेरे है को एक पॉइंट मतलब। बोलना था, आई हाँ थिंक हाँ मराठी मूवीज का पॉइंट आया ही है, तो आई थिंक वी ऑल आर मराठीज हियर, तो आई गेस अपन, आई थिंक सभी लोग यहाँ पे शंतनु यानी अपना मजनू भाई और मामा और वल्लभ, एंड आई थिंक शंतनु तू भी मराठी मूवीज वी वॉच राइट, एंड आई थिंक वल्लभ को शायद मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था वन ऑफ द पहले मराठी मूवीज के लिए. और आई एम नॉट क्रेजी अबाउट साउथ इंडियन मूवीज, बट मराठी मूवीज आर वेरी 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 अंडररेटेड. उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके इमोशंस अलग ही रहते हैं, एंड द ओनली थिंग अबाउट मराठी मूवीज इज यू कैन नॉट डिस्क्राइब मराठी मूवीज अगेन. दे आर नॉट कि तुम बता नहीं सकते कि ये क्यों देखना है आपको, भाई ये मूवी फील करने वाली है. आई मीन आई जस्ट वॉच्ड मूवी कॉल्ड साइकिल मराठी, इट
वो मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता. द मूवी इज वाज अबाउट गुडविल और अच्छाई के ऊपर मूवी है. मूवी में कुछ नहीं होता बट यू जस्ट उसके बाद ऐसे तुम ऐसे सैटरडे मॉर्निंग देख लो ना मूवी तो पूरा सैटरडे अच्छा जाता है. इट्स लाइक दैट. सो जस्ट शाउट आउट टू मराठी मूवी इंडस्ट्री, अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज डोंट मेक रीमेक्स, यू आर गुड एज इट इज. इसमें मेरा एक पॉइंट था. हाँ मामा तो कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, प्लस वन टू दैट. या मतलब आई थिंक जो विवेक ने बोला स्लाइस ऑफ लाइफ जो मराठी फिल्म कैप्चर करती है, आई डोंट थिंक वो कोई और करता है. और मेरा एक फेवरेट फिल्म इसमें जैसे तो गुडविल हंटिंग का बोल रहा था कि मैं डिस्क्राइब करूँ तो क्या 5-8 बजेगी, वैसे किल्ला करके मूवी है. मतलब क्या मूवी है भाई वो. उस मूवी में मतलब दैट्स व्हाई आई लाइक मूवीज, क्योंकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और जो तुमको इन जनरल डायलॉग्स books are inadequate in that way. मतलब movies तुमको actually music plus जो overall scene set होता है, तो I think मराठी तो उसमें best है, beat नहीं कर सकते. But again same point, मराठी movie को तो ऐसे as a time pass नहीं देख सकता. मतलब you have to be engrossed in the experience, otherwise काफी time लगता है. जैसे गुलाब जामुन करके एक movie, मतलब वो अगर तुम उस experience में नहीं हो तो इसलिए some movies deserve a theater में जाओ, lock everything out of your life and watch it. तो मराठी movies are as close to a play that you can get. किसी ने सवाल पूछा था फिर वो अलग रह गया कि मूवी गोइंग एक्सपीरियंस वल्लभ का ही पॉइंट था. तो मराठी मूवीज मुझे याद ही नहीं, मैं आखिरी मराठी मूवी कब गया था, शायद वल्लभ के साथ ही गया था भाई देखने. तो मतलब अच्छा लगा था, बट उसके बाद आई रियलाइज कि देर आर सो मेनी मराठी मूवीज, या मराठी मूवी का जो एक ऑडियंस है बहुत ही ओटीटी वाला बन गया है अभी, बिकॉज एक्शन के सेंस में उतना कुछ होता नहीं है. तो वो थोड़ा एक पता नहीं, मतलब श्रेयस का भी एक अच्छा पॉइंट था कि बिकॉज यू कैन लॉक यूर सेल्फ एंड देन वॉच इट, देन परहैप्स दैट्स द बेटर वे टू डू इट. क्योंकि मराठी मूवीज का तो ऐसा है, हाँ ठीक है घर पे बैठ के हॉटस्टार अमेजोन पे देख लो. स्पेशली अब गुड़गांव में रहता हूँ तो यहाँ पे तो सेंस ही नहीं है कि कहीं जाके देख लूँ. पर हाँ, बट मूवी गोइंग एक्सपीरियंस वो ब्रैकेट होने लग गया है कि अभी ऐसे पठान मैं ओटीटी पे नहीं देख सकता क्योंकि वो स्टोरी है ही नहीं कुछ, वो थिएटर में देख. कांटारा मैंने लायक ही नहीं है. हाँ नहीं कांटारा, पठान को मैं एड्रेस करना चाहूंगा बिफोर दिस टॉपिक गोस. पठान इज नॉट अ गुड मूवी, पठान इज बस एसआरके का कमबैक मूवी से हिट हो रहा था. वो एसआरके फैंस जाके हिट कर रहे हैं और कुछ नहीं. मतलब इट्स जस्ट इट्स नॉट अ गुड मूवी, इट्स द मोस्ट होपलेस मूवी. और उसने 1000 करोड़ कमाए तो पता नहीं, मतलब बॉलीवुड की दशा और खराब होती जा रही है. बट हाँ उस मूवी का नाम ना ले इस पॉडकास्ट में तो अच्छा है. जैसे कांटारा थी, कांटारा मैंने कुछ लोगों को मिक्स था कि अच्छी नहीं थी अच्छी नहीं थी, बट मुझे बिकॉज आई सॉ इट इन थिएटर मुझे बहुत मजा आया. लाइक आई लास्ट 15-20 मिनट वर आउट ऑफ द वर्ल्ड. जो भी एक्टिंग थी उसकी कांटारा में, वो मतलब घर पे बैठ के उतना फील नहीं आता मुझे. तो वो ब्रैकेट होना शुरू हो गया. आई थिंक मराठी इंडस्ट्री माइट सफर बिकॉज ऑफ दैट. आई थिंक मेरे को लगता है कि लास्ट पॉइंट था बिफोर वल्लभ गोज टू गुलाब जामुन, मूवी गोइंग एक्सप्रेस है. जैसे ग्लास ओनियन करके एक मूवी है, जब तुम कोई डिटेक्टिव मूवी एक कम्युनिटी के साथ देख रहे हो ना, जब तुम साथ में वो सस्पेंस ही होता है. फिर स्पाइडरमैन तुम घर पे देखो और मतलब थिएटर में देखो, जो थिएटर पूरा चिल्ला था जब फिरोज पाटा था, मतलब दैट इज एन एक्सपीरियंस एंड वो आई थिंक ओटीटी वाले कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे कि 40 अनजान लोगों के साथ बैठे हो एंड यू आर ऑल फीलिंग द सेम थिंग. मतलब वो जो फूटिंग वाला है जो विवेक बोल रहा था, और वो इंडिया में नहीं, इन जनरल बाहर भी होते, बट यूके में शायद. और वकांडा फॉरएवर इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी बाय द वे, एंड गेम वॉज द लास्ट बिग आइकॉनिक फिल्म, उसका कोई आई नहीं है. तो वो जब तक मूवी नहीं आई स्पाइडरमैन एंड मोर से की नॉस्टैल्जिया वाली ज्यादा थी, वो आइकॉनिक मूवी नहीं थी. मतलब आई डोंट थिंक इट विल एज वेल. मतलब 90s किड्स बूढ़े हो जाएंगे तो जिनको पता नहीं तो स्पाइडरमैन कौन है वो ज्यादा फील नहीं करेंगे जितना एंड गेम गर्म करेंगे उस टाइप का. तो सेम है बाय द वे नो वे होम, या जो भी था स्पाइडरमैन पे, वो भी पठान की तरह ही हिट हुई है. मूवी इतनी खास नहीं थी, मतलब इट वाज वन ऑफ द लीस्ट प्लॉट वाला मूवी फ्रॉम स्पाइडरमैन. तो मेरे को लगा नहीं था कि पठान और नो वे होम को कंपेयर किया जाएगा इस पॉडकास्ट में, बट यानी ये बहुत ही लो लेवल पे चला गया ये ऑटोमेटिकली डिस्कशन. बट यार मेरे को आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट माय सेल्फ व्हेन इट कम्स टू गुलाब जाम. गुलाब जाम इज अ मराठी मूवी, इट्स अ
जो शब्द बोलते हैं ना, एक कॉमेडियन है सुमित आनंद करके, वो बोलता है कि फ्लैबर गास्टेड, लाइक हाउ हाउ विल अ पॉइंट इन योर लाइफ कम वेयर कैन यू कैन यूज फ्लैबर गास्टेड इन अ कन्वर्सेशन. सो गुलाब जामुन इज दैट मूवी. आई एम फ्लैबर गास्टेड बाय दैट एक्सपीरियंस. वो पिक्चर ही अलग है भाई. यानी वो एक पिक्चर है जो मैंने मेरे ख्याल से लास्ट 10 साल में 3 बार देखी होगी, मेरे कॉलेज के बाद, यानी 2014 के बाद. इट इज द ओनली मूवी जो मैंने 3 बार देखी है थिएटर में, तीनों बार मैं मेरे दादा दादी को लेके गया था वो देखने. इट इज सच अ गुड मूवी. उसमें एक सीन है यार, एक सिंपल उसकी स्टोरी, अगेन एज एवरीवन इज सेइंग कि मेरे को लगता है कि अपने को एक मराठी वाला अगला एपिसोड करना पड़ेगा. लेट्स लेट्स गेट इनटू दैट. बट हाँ, फेयर, लेट्स एंड विद गुलाब जाम एटलीस्ट. कि उसमें एक सीन है कि वो महाराष्ट्रियन थाली जिसको बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर वरण भात और उसमें सादा वरण तूप और ऐसा सब कुछ, कढ़ी वढ़ी सब कुछ रखा है, ब्रास की थाली है ऐसा. एंड देन फाइनली वो उस पे ऐसे, वो आपने तो लगाया मिंटो, आई डोंट, समबडी हेल्प मी हियर. चित्रावली. नहीं, वो पानी डालते उसको क्या बोलते हैं, हाँ सीमेंट. वही हाँ, तो, तेप 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 वही बोलते. ओके. हाँ तो ठीक है, तो उसको वो जो जो करते हैं वो करते हैं. और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है कि वो थाली भर रही है, उसके पीछे वदने कवड़ा घेता करके जो संस्कृत मराठी जो भी उसका श्लोक है जो खाने से पहले बोलते हैं. सो भाई क्या क्या सीन है वो, लाइक इट इज सच अ पावरफुल सीन. वो ऐसा खाना बनते हुए, इट इज एन एक्सपीरियंस. वो सीन इज एन एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से. तो आई फील गुलाब जाम इज लव यार. इट इज टू गुड ऑफ अ मूवी टू मिस. मैं तो उसके लिए Z5 का ये ले लूंगा, इतना मेरे को ये है. सारे मराठी मूवीज Z5 पे आते हैं. दैट इज अनदर मोटिवेशन टू टेक Z5 सब्सक्रिप्शन. सो या, दैट्स माय टेक ऑन गुलाब जाम. आई थिंक मतलब मराठी मूवीज क्यों अपने को इतनी अपीलिंग लगती है कि इवन दो देर इज अ प्लॉट दैट इज गोइंग ऑन, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी हर जगह, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल्ड रहता है हर जगह. एंड यही पैटर्न जब तुम हॉलीवुड मूवीज में भी देखते हो ना, तब वो भी सिमिलरली परफॉर्म करते हैं. लाइक तुम देखो एंड गेम देखो या फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वगैरह, तो प्लॉट चल रहा है एक थैनोस से उसको मारना है, काटने वाले हो ये वो, बट देर इज ऑलवेज सम कॉमेडी. वो ड्रैक्स कुछ तो भी चुतियापा कर रहा है, और ये इसके वजह से Why is ना Gamora? Why is Gamora is still my favorite line. यार what कहाँ से, किसने लिखी है वो line, क्यों लिखी है? मतलब बेस्ट दैट इज द एसेंस ऑफ मतलब अच्छी मूवीज, कि तुम्हारा जो भी प्लॉट चल रहा है यू नीड सम लाइट मोमेंट्स एंड थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह. मतलब ऑफकोर्स देर आर सर्टन मूवीज जहाँ पे तुम ये सब नहीं करते, एंड ऑफकोर्स देर आर मूवीज जहाँ तुम ऑल आउट ये करते, जैसे अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, जहाँ कंटिन्यूअसली कॉमेडी कॉमेडी चल. बट या दिस इज अ वेरी एसेंशियल टूल हर एक मूवी में, कि थोड़ा बहुत कॉमेडी वॉमेडी रहे बीच में तो मस्त रहता है. मेरे को एक चीज वो बोलना था कि हाँ जैसे कॉमेडी और ये सब बोला, तो मेरे को बॉलीवुड को थोड़ा सा क्रेडिट देना था. जैसे जो पुराने मूवीज है 2000s के या 90s के, तो मेरे को लगता था कि आई मीन जो उस टाइम, आई मीन शंतनु कैन वे इन ऑन दैट बेटर आई थिंक. शंतनु मजूमदार, लेट्स कॉल घारपुरे एंड शंतनु मजूमदार, लेट्स नॉट कंफ्यूज देम. तो शंतनु को मेरे को लगता है कि वो था कि लाइक जो पुराने मूवीज थे ना बॉलीवुड के, जो आई मीन दे वर नॉट इंटेंडेड टू बी फनी, बट दे लाइक क्या बोलते, कैरिकेचर, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट वो फनी बन गए. लाइक जैसे ये अभी चंद्रू का जो पोस्टर है, लाइक ये इसका है, अपना कौन सा विश्वात्मा मूवी का है, इट इज एन एक्शन मूवी अपेरेंटली, एंड वो त्रिदेव है या एंड आई डोंट रिमेम्बर. और उसमें हम लोग एक गाना है उसमें, ओ वाला, फिर सात समुंदर. लाइक ये सब गाने, दे आर नॉट सपोज टू बी फनी, बट दे आर लाइक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लाइक वो अनइंटेंशनली फनी है या अपने रेट्रोस्पेक्ट में वो फनी लगते हैं. तो आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर क्लासिक्स इन दैट देयर ओन वे. तो बॉलीवुड के जो 90s और 2000s के मूवीज है वो फनी बन गए हैं, भले वो एक्शन हो, रोमांटिक हो. लाइक बाजीगर भी देखता हूँ तो मेरे को फनी लगता है आजकल, लाइक क्या गा रहा है, क्या कर रहा है ये. तो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस, लाइक ऑल ऑफ यू. एक एक पॉइंट था शिवल्लभ यहाँ पे. तब तब स्टोरीज ही ऐसी बनती थी कि 90s एरा ऐसा था कि एक ऐसे गुंडों की टीम रहती थी, उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब मैनेजमेंट रहता था प्रॉपर. यानी सब लोग जो जो कॉर्पोरेट्स में, सभी लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं, लीडरशिप और ये सब. तो ऐसे, और उनके लोकेशन भी देखने लायक रहते थे कि ऐसे एकदम शिप शिपयार्ड, कोई बड़ा शिपयार्ड और ऐसा कुछ भी. और वो वहां पे डिसीजंस लेते थे, टॉपिक्स कह रहते थे कि ड्रग्स आए क्या, गन्स आए क्या, और क्या नहीं रहता था यार उनके पास. यानी
सभी जो हायरार्की थी कंपनी की वो सारा था, तो वैसे ही बनता था। फिर एक हीरो आके उनको सबको चैलेंज करता था। तो तब तब एरा ही ऐसा था कि वैसे टाइप की स्टोरीज बनती थी। यार ये अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, सेगवे कि आइकॉनिक गुंडा बोर्ड मीटिंग्स टाइप की क्या का होता। एक्चुअल में गुंडा बोर्ड, अब जैसे विश्वात्मा में वो अमरीश पुरी वाज द सीईओ, लाइक ही विल टेक द ऑल डिसीजंस एंड कि क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगी कंपनी की। बट टिपिकल सबका वो गंदा सा गराज ही रहता था, रैंडम वो क्या पाइप वाइप रहता, गोडाउन करोड़ों का ड्रग्स का बिजनेस है बट वो गोडाउन से ही ऑपरेट कर, गोडाउन से ऑपरेट होगा। और उसको खत्म कर देंगे उसको, अरे उसको इंतजाम उसका हो जाएगा, ऐसे एकदम कैजुअल। और वो गोडाउन हमेशा माजगांव डॉक या मुंबई में कोई डॉक मुंबई शिफ्ट करता है। Most of the time मुंबई की डॉकयार्ड सब used हुए। मेरे को फिर करेक्ट सही में तो यही लगता है कि what is the most iconic villain have you seen? And तेरे को जो लगता है तुमको कोई भी सब मूवीज में? अमरीश पुरी, अमरीश पुरी। He is above all. यारे कोई कैरेक्टर तेरे को पता हो बेस्ट वाला? Almost उसके सभी कैरेक्टर, जैसे विश्वात्मा में अजगर जुर्राट है, वो एकदम ऐसे गुंडा दिखाया है प्रॉपर, और उसके बाद बादशाह में वो एकदम ऐसे प्रॉपर सिविलाइज्ड गुंडा दिखाया है कि वो हो गया। और अमरीश पुरी ने इटालियन जॉब नहीं, इंडियाना जोन्स में भी काम किया है, वो भी एक है। मुझे विलन में एक दो ऐसे फनी विलन्स मुझे बहुत पसंद है, जैसे अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर बोगो या तेजा हो गया, और मराठी में वो कोई एक मूवी थी लक्ष्मीकांत बेर्डे की, उसमें टकलू हैवान था, टकलू हैवान वो हकी बारा खड़ी में हंसता था भाई। ए महेश, ए टकलू हैवान वाला वो आज भी याद है यार, 20 सालों का मूवी देख, लेकिन उसकी हकी बारा खड़ी आज भी याद है मुझे। मैं को वो कॉमेडी विलन्स तो ठीक है, बट आई कैन नॉट फॉरगेट वो आशुतोष राणा का वो वाला, वो कौन सा मूवी था यार? हाँ, संघर्ष का जो था वो, ऐसे आई थिंक वो इमेज कभी जाती नहीं, थैनोस आ गया, फिर तुम्हारा वो कौन सा डीसी का जो भी डार्क साइड आ गया, कोई भी कितना भी विजुअल इफेक्ट डाल रो ला लो, बट वो जो चेहरा है, यानी दैट वॉज माई नाइटमेयर आई थिंक, जब बचपन में अगर कभी आ गया रहता तो उससे उठता था मैं कभी कभी कि भाई ये आ गया, वो इमेज कभी नहीं जा सकती। एंड कॉमेडी विलन्स तो है ही। और हाँ, और वो शान मूवी का कौन सा था यार? शाकाल, 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 शाकाल गब्बर वो कुछ वो तो भाई, वो शार्क, शार्क को डालने का थिंग वाज सो इनोवेटिव कि शार्क जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का क्यों मतलब कोई तो वैसे टाइप की हो, बट शाकाल इज द ओनली वन हु हैज ब्रोकन आउट ऑफ गोडाउन एंड उसका प्रॉपर ऑफिस है। हिज मोर ऑफ क्या स्टार्टअप है रखा, उसको फंडिंग वगैरह अच्छी मिली थी मेरे को लगता है। क्रिश में तो आइलैंड था यार विलन का, तो वो तो और भाई, लेट्स नॉट ब्रिंग इन, उसने खुद को हीथ लेजर से कंपेयर किया था बाय द वे, आई मीन जिससे बैटमैन से ज्यादा फैंस जोकर के, तो इसलिए आई थिंक विलन ऐसे, आई थिंक ओके आई ब्रॉट दिस अगेन, पठान का विलन भी अच्छा है जिम, मतलब उसकी स्टोरी एक्चुअली मेक सेंस कि एक विलन शुड बी मोर, कि मतलब मेरे को तो लगा कि चलो वल्लभ को और पॉइंट मिल जाते, बट विलन ऐसा रहना चाहिए कि अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बने तो वो अपने मूवी का हीरो रहेगा। तो इट्स जस्ट कि अपन इस एज में जहाँ पे, ये भी सही था आंखें किसने देखे तो पता नहीं, बट मुझे आंखें का मतलब वो भी एंडिंग सही लगे अमिताभ बच्चन वाली मूवी, तो I don't know क्यों, but Bollywood उतना नेचर नहीं है। Best movie I think वो है जहाँ पे विलेन शायद मर जाता है, but
हीरो हीरो नहीं रहता था, हीरो के उसूल चेंज हो जाए, तो उस टाइप का मेरे को सही लगते हैं मूवीज जो थोड़ा रियलिस्टिक रहता है। बापा बापा यानी विलन वो एक्चुअली हैड अ पॉइंट, अगर उस सीरीज में बात करनी है मूवीज तो आई थिंक थैनोस एक्चुअली हैड अ पॉइंट। देखो मेरे को वही सबसे वाहियात नहीं बट एटलीस्ट वन ऑफ द वर्स्ट, टेनेट वाला, उसका कहना था मैं मर रहा तो मैं सबको लेके जाऊंगा, लेके छोटे 6 ईयर ओल्ड का जो आर्ग्यूमेंट था वही उसका आर्ग्यूमेंट था, उस पर क्रिस्टोफर नोलन ने पिक्चर बनाया पूरा। तो वेरी फेयर पॉइंट बाय श्रेयस ओनली कि मूवी में विलन अच्छा होना चाहिए, विलन अच्छा लिखना चाहिए, विलन अच्छा होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इसका बेस्ट एग्जांपल, लाइक सिंस थैनोस और जोकर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक क्लासिक एग्जांपल जो रह चुका है अभी top 3 villains या टॉप विलन ऑफ ऑल टाइम में, वो है डार्थ वेडर। लाइक आई डोंट नो इधर स्टार वॉर्स के कितने फैन है क्या नहीं है, बट आई थिंक जो वो रेड लाइट सेबर है और उसका जो वो अस्थमेटिक वॉइस है और उसका वो सेटअप है, लाइक आई थिंक इट इज टू आइकॉनिक टू नॉट स्पीक अबाउट इट। लाइक वेडर हैज डिफाइंड अ जनरेशन ऑफ ये, और एक ऑफ बीट विलन मेरे को देना है जो उस जमाने के लिए आई थिंक इट इज अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग। आई डोंट नो किसने देख, कितने लोगों ने देखा है, श्रेयस ने पक्का देखा है मुझे पता है, 2001 स्पेस ओडिसी में उसका विलन AI है, उसका विलन 1968 में वो मून मूवी आई है, अपन ने मून लैंडिंग 1969 में किया है अलेजेडली, तो उसका विलन AI है, लाइक भयंकर, हाँ लाइक हाँ टर्मिनेटर और स्काईनेट, लाइक आई मीन बट सीरियसली यार वो लाइक HAL 9000 इज अ वेरी आइकॉनिक विलन, उसके उसका वो और हैनिबल लेक्टर जैसे, इन लोगों का ऐसा ना कि इनका बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है स्क्रीन पे, बट दे आर वो अभी आजकल मीम चल भी रहा है कि स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट, तो वैसा है हाँ उसका स्मॉल रोल बिग इम्पैक्ट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वेडर अनडाउटेडली, अनडाउटेडली वेडर। और मेरे को एक और विलर ऐड करना था, जैसे वल्लभ फ्यूचर में चला गया तो वैसे पास्ट में आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ गुड मूवी टू कम जो आदि पुरुष नहीं रहेगी, बट रावण, मतलब रावण इज अ वेरी गुड विलन, अभी तक बना नहीं, उसको इतना विनिफाई किया है, मतलब जिस टाइप से रामायण बताई जाती है, अगर रावण की पर्सपेक्टिव से बताए ना तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट ही वाज अ वेरी गुड हाँ मैं वही पर्सन। बोल रहा था, ये बहुत ही लेट्स बट हाँ, तो आई थिंक रावण वाला भी इस एवरीवन, पोटेंशियल जोकर इतने, क्योंकि जय श्री राम तो है ही बट रावण भी बहुत सही था, तो मेरे को लगता है कि माइथोलॉजिस्ट पे सेपरेट, पूरा इंडियन माइथोलॉजिस्ट पे हाँ ये सेपरेट कर पूरा सकते हैं, ये कर सकते पॉडकास्ट बनता है, क्योंकि आई थिंक इंडियन माइथोलॉजीज आर टोल्ड सो रॉन्गली अभी तक। और आई मीन मेरे को सबसे गंदा डिसअपॉइंटमेंत तब होता है कि ये जो गॉड ऑफ इजिप्ट ये वगैरह चीजें चलती है भाई, ये उठाई गई है, कॉपी है ये यहाँ पे, मेरे को ये इसमें कुछ भी लेयर्स नहीं है। ये कौन सा था, क्लैश ऑफ टाइटंस वगैरह मूवी चली जब, भाई तुम्हारे जो दिखाए हैं इधर हडिम्बा है तुम्हारे इसमें, ये जो क्या बोलते तुम वो क्या मेड्यूसा वगैरह दिखा रहे है इधर, और तुम उठा के लिटरली तुम्हारे जो नॉवेल्स है या फिर माइथोलॉजी उठा के मूवीज बना रहे हो, और वो चल रही है इधर पड़े है द स्टोरीज। आई मीन इफ यू ओनली टेक वन सेक्शन ऑफ महाभारत और एनीथिंग, यू कैन मेक अ होल मूवी आउट ऑफ इट। और अपने पता नहीं प्रोड्यूसर्स ने चूतिया है कि नोबडी हैड अ विजन नहीं और समथिंग लाइक दैट, क्यों नहीं नहीं बना रहे। मैं बताता हूँ, मतलब इस पे मेरा बहुत ही ज्यादा दुखद वाला पर्सपेक्टिव है कि अल्टीमेटली पैसे बनाने हैं प्रोड्यूसर्स को, और जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है ना, मतलब बेसिक स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डालोगे तो तुमको बहुत ज्यादा पैसे लगाया, बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे एंड बहुत टाइम भी लगता है। सो लाइक जो ये है ब्रह्मास्त्र, जिसका पहले नाम ड्रैगन था, एंड दे आर मेकिंग इट फॉर 6 ईयर्स, वो लोग VFX पे वापस रेंडर करा करा के, ये ठीक नहीं लग रहा उसको इम्प्रूव करो ये करो, तो इतनी बेसिक मूवी जिसमें ठीक ठाक ही VFX है, फिर वो उसको भी इतना टाइम लगाया, तो नो वन वॉन्ट्स उसके 600 करोड़ इन्वेस्टेड रहे एंड 7 साल बाद पता नहीं पिक्चर हिट हो या ना हो। सो दे वॉन्ट क्विक मनी, जो कि अक्षय कुमार 2-3 लात मार देगा, हवाई किक मार देगा तो हो जाएगा, आर्मी यूनिफॉर्म डाल देगा, सल्यूट कर देगा और बाइक चला के, ये दिस इज इजियर टू अर्न मनी देन जो इतना रिच कंटेंट है। देख अभी भी महाभारत की सीरीज है जिसका एक एक एपिसोड एकदम क्रिस्प और फुल ऑफ कंटेंट है,
बट उसमें ऐसा उड़ते हुए बाण आता है और फिर वो दूसरे बाण से टकरा के गुम हो जाता है, दैट वी डोंट वॉच इट बिकॉज उसमें VFX नहीं है, तो कंटेंट उसमें भी उतना ही रिच और अच्छा वाला है। कंटेंट वाइज वो अच्छे ही है, आई मीन हाँ कंटेंट वाइज वो नहीं बहुत अच्छे है। मेरे को लगता है कि दैट दो स्टोरीज आर टू रिस्की टू फेल। मेरे को लगता है अगर आप फेल हुए तो यू वुड नॉट यू योर करियर इज फिनिश्ड, सो नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क आई गेस। We'll wait ऐसा for नहीं है आदिपुरुष। नहीं इसमें ये भी पॉइंट है ना, जो पहले मूवीज बनती थी 90s की मूवीज, व्हाई वेर दे लाइक दैट, क्योंकि तब कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ था बॉलीवुड का, मतलब हाँ डायरेक्टर एंड राइटर जिसको कोई रिच प्रोड्यूसर सपोर्ट कर रहा था। अभी वो ROI वाला मॉडल बन गया कि एक स्टार को लो ओपनिंग इतना वीकेंड करना चाहिए। तो आवर मूवीज बॉलीवुड हैज ऑलवेज बीन अबाउट हार्ट इन अ वे, तो विलन्स भी देखना पहले कैसे रहते थे, तो वो अभी नहीं रहे क्योंकि वो बिजनेस हर जगह आ जाते हैं और इट्स अ वेरी फाइन लाइन टू मेक अ, जो अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बट क्रिस्टोफर नोलन करता है, टू मेक मूवीज विच आर आर्ट एंड कमर्शियली सक्सेसफुल। तो वो इसमें टेनेट तो नहीं जमा उसको, बट हाँ सबका एक्सपायरी डेट रहता है फील, तो लेट्स सी ओपेनहाइमर कैसे रहेगा। ओपनहाइमर, एक्चुअली ओपनहाइमर के लिए तो बहुत, आई मीन ओपनहाइमर के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन से मेरे को हमेशा यही कंप्लेंट थी कि ही हैज नेवर ही डजंट एक्सपेरिमेंट मच करके आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। तो उसने जब पहले वो वॉर मूवी बनाई एक, इट वाज नॉट, मेरे को नहीं अच्छी लगी इतनी, वो ठीक थी यानी सेविंग प्राइवेट रायन स्टिल बेटर देन दैट आई फील बाय अ मार्जिन। देन उसने वो बनाई टेनेट, पिक्चर अच्छी है, मैं लारा के साथ ही देखी थी, मजाक नहीं कर रहा, पिक्चर अच्छी है, बट वो पिक्चर ज्यादा साउंड और लाइक इट वाज टू नोलन ऑफ अ नोलन मूवी, आई मीन जो भी। बट ओपनहाइमर इज लाइक समथिंग व्हिच नोलन हैज एक्सपेरिमेंटेड, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, कि लोग बोलते हैं ये अगला स्पीलबर्ग है जो भी, आई डोंट नो, बट लाइक इफ ओपनहाइमर टर्न्स आउट वेल, आई लाइक माय पर्सनली मेरा ओपिनियन चेंज करने को रेडी हूं। ओपनहाइमर इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। मेरे को एक साइड टॉपिक वो बोलना था कि जैसे जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ बॉलीवुड या हॉलीवुड या जो भी बोलना है, उसमें ये हो रहा ना कि आई फील यू आर डिस्ट्रॉइंग कंटेंट इन इट, लाइक स्टोरी इज द वर्स्ट अफेक्टेड एलिमेंट हियर। स्टोरी बोल या गुड स्टोरी टेलिंग बोल या गुड गुड आई डोंट नो जो गुड मूवी मेकिंग बोल। सो आई थिंक मेरे हिसाब से द कमर्शलाइजेशन हैज ओनली लेड टू डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फैंस। जैसे देखो बेस्ट एग्जाम्पल दोनों, अगेन जिनको अपोज करना है कर ही सकते हैं, बट जैसे मार्वल और स्टार वॉर्स दो इतने बड़े फ्रेंचाइज है, बिगेस्ट फ्रेंचाइजेज एवर, एक पास्ट का और एक अभी का। एंड फेज 4 वी ऑल नो वकांडा फॉरएवर नहीं है बड़ी मूवी, लाइक जो भी वट एवर योर ओपिनियंस आर ऑन दीज थिंग्स, बट द अमाउंट ऑफ डिजनी प्लस शोज, द अमाउंट ऑफ ये मैंडलोरियन आया है, मैंडलोरियन स्टार वॉर्स का है, अगर तुमने मैंडलोरियन सीजन 2 देखा है और मैंडलोरियन सीजन 3 देखा है तो उसमें तुमको कनेक्ट ही नहीं रहेगा, देर इज नो कनेक्ट, क्योंकि बीच में क्या आधी स्टोरी हो बोबा फेट वाले शो में हो रही है, मैं क्यों देखू यार वो, मेरे को नहीं देखना वो बोबा फेट पे कुछ भी, क्यों देखू मैं फालतू। तो आई थिंक द कमर्शलाइजेशन हैज ओनली लेड टू, क्या बोलते उसको अपन, एक इंग्लिश में शब्द है, शिट यार एडिट होगा, वो चला के मराठी में म्हणतात बोल यार, रहे हाँ म्हणजे ते हाँ जला विरळ म्हणतात ना बेसिकली, जे कंटेंट हे होतो है डेंस हो डेंस गया या और फिर फंस गया है वही डेंस, चमक डेंस के सोल। अपोजिट क्या होता है, लाइक डेंसिटी कम होना और दूसरा जो भी, तो मेरे हाँ विरळ सो हो गया है, ओके इट इट हैज बिकम विरळ। हाँ या डाइल्यूट बोलना था मेरे को, वो डाइल्यूट हो गया है, वो डाइल्यूट डाइल्यूट शब्द नहीं आ रहा था उसे, साला इतना पढ़ा ही किया, डाइल्यूट हो गया है कंटेंट बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत ही कमर्शियलाइजेशन के मैं विरुद्ध हूँ। जैसे मराठी इंडस्ट्री में है जो विवेक ने बोला कि मत बनाओ सीक्वल, मत, डोंट जस्ट बी, पाड़वी इज अ गुड मूवी, गुलाब जाम इज एन एक्सलेंट मूवी, स्टिक टू दैट। सो आई मीन या दैट्स माय थिंग। मेरे को लगता है अपने शंतनु को पॉइंट बोलना था कुछ। एक पॉइंट बोलना था विलन के रिलेटेड। विलन का कैसा है ना, उसका एटीट्यूड बॉलीवुड में देखा होगा, सभी जो विलन्स है उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो नेवर गिव अप, हमेशा उनको पता है वो मरने वाला है, बट स्टिल वो लास्ट पॉइंट तक फाइट करेगा। यानी ये सभी विलन के केस में ये हुआ है। और दो तीन विलन के नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे शोले का आइकॉनिक गब्बर सिंह, वो तो यानी आइकॉनिक ये हो गया, विलन हो गया। उसके बाद एक प्रेम चोपड़ा, वो भी अरे बॉलीवुड भाई का है, भाई भाई हाय वो भी एक भाभी उसके बाद
कर्मा मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो अनुपम खेर ने डॉक्टर डैंग की भूमिका निभाई थी, तो वो भी एक अच्छा विलन था। और आखिरी में एक सबका फेवरेट है गुलशन ग्रोवर, वो भी एक अच्छा विलन था। तो भाई शंतनु तुरे 90s मूवीज में यू शुड बी डूइंग पीएचडी आई मीन, ये इतने कॉलबैक्स इतने आना, इट्स कमेंडेबल भाई। अभी ये तूने ऐसे दिल को छूने वाले विलन्स का नाम लिया है ऐसे, ये दीज आर ऑल द टाइम्स जब घर पे बैठ के समर में दोपहर पे जी टीवी बैठ के जो मूवी देखते थे, दिस इज दैट एरा। एंड गुलशन ग्रोवर का नाम सुन के सच में याने वो जो बोलते हैं ना एक प्रेम चोपड़ा का नाम सुन के अपन अपने कपड़े एडजस्ट करते, दैट इज रियल। अरे वो नहीं, फिर शक्ति कपूर भी तो है वैसे, रंजीत भी है, एक रंजीत भी है। आई थिंक वो एक मीम था ऐसे, कोई दो विलन्स बात करते रहते और एक विलन एक बच्चा रहता है कि ये अपने बच्चे को मार क्यों रहा है, एक विलन दूसरे विलन को बोल रहा है क्यों मार क्यों रहा है, बोले एक इसने एक लड़के के साथ चक्कर चलाया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है तो इसमें क्या है बच्चे गलती होती है, फिर वो बोलता है अबे वो तेरी बच्चे तिरंगा 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 पिक्चर का ही तो है, तिरंगा पिक्चर है ये, वो गेंडा स्वामी उसका फ्यूज कंडक्टर सॉरी। अरे वैसे तिरंगा अगर अगर बात कर रही है तो तिरंगा की बात आई है तो आई थिंक 15 अगस्त वाज अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी एज वेल, क्योंकि 15 अगस्त को दोपहर को दूरदर्शन पे, आई थिंक सब अमीर लोग हैं यहाँ पे बट जिनके घर में केबल नहीं था, दूरदर्शन पे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे एक देशभक्ति वाली मूवी लगती थी एंड आई थिंक आई हैव वॉच्ड तिरंगा एटलीस्ट 10 टाइम्स। मेरे को परफेक्ट मोमेंट पता है कि जब फ्यूज कंडक्टर उड़ने वाले, आई हैव वॉच्ड border at least 6 to 7 times कि भाई and मेरे को समझता ही था लोग वो कर रहे, वो यानी जो फ्लाइट से वो दिखाता है वो सीन को गाली क्यों दे रहे भाई, यानी that was such, यानी मेरे को तो मेरी मेमोरी तो वही है कि भाई वो बचाता है तुम क्यों हंस रहे, फिर बाद में समझा कि वो ऊपर से थम्स अप नहीं दिखा होगा, यानी मेरे को बाद में समझा कि ये क्यों ये कर रहे। बॉर्डर देखी है, फिर आई थिंक गदर देशभक्ति वाली मूवी, और आई थिंक इफ यू गाइज कांट रिमेम्बर वो वाली मूवी देशभक्त वाली, कौन सी मूवी थी वो, पूरब और पश्चिम जिसका वो गाना है वो इस देश में हाँ भारत का रहने वाला भारत की मदद करता था वो है, मनोज तिवारी वाली मूवी है, मनोज तिवारी नहीं बे साले, मनोज कुमार मनोज कुमार बहुत ही नीच मूवीज करता था, लाइक ही वाज अक्षय कुमार बहुत कमर्शियलाइज्ड है, मल्टीपल रोल्स हो गए उसके, ही इज जस्ट प्रीवियस एरा का सलमान खान थोड़ा सा बेटर अपग्रेडेड है, या उसके पहले का शाहरुख खान थोड़ा सा बेटर, आई डोंट नो, लाइक इट्स अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। आई थिंक मेरे अभी अपन ने बीच में एक टॉपिक ये किया था कि मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी रुइन हो गए, आई थिंक आई वुड लाइक टू टच ऑन दैट टॉपिक कि सबकी ऐसे फेवरेट फ्रेंचाइजी कौन सी है मूवी की, कि जो ऐसे एकदम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज वेल एंड और यू ग्लैड दैट हैपेंड रादर, और यू आई मीन जहां पे एंड हुए उस पे भी खुश हो, और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम अदर मूवी फ्रेंचाइज़, कौन सी तुमको लगता है? इतने मत ऐड कर फिल्टर्स, फिर बहुत कम हो जाएंगे, यानी एक एक कुछ तो भी बोल, एक तो पसंद थी तू या एक, तुम चूज करो, तुम चूज करो, ठीक है मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली एज एविडेंट मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रिलॉजी इज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बट रिंग्स ऑफ पावर देखते हुए 2-3 बार रोया हूँ मैं, तो आई मीन इट्स कहाँ खत्म हुआ है, क्या आने वाला है, इस पे बात नहीं करेंगे अभी, पूरा खराब कमर्शियलाइज जो भी, आई डोंट वांट टू जो भी, बट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मेरे ख्याल से जो देखना चाहिए अगर किसी ने, तो वो तीनों पिक्चर देखना चाहिए, एक पिक्चर देख के कुछ भी सेंस नहीं है, तो तुमको ऐसा वो एक दिन रहता है, लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैराथन्स रहते हैं कि तुम अगर डायरेक्टर्स कट देखो तो 4-4 घंटे 4.5-5 घंटे की पिक्चर है, बट आई थिंक इट्स अ ट्रिलॉजी, इट्स द बेस्ट ट्रिलॉजी, या श्रेयस जोशी या आई डोंट केयर घटिया पिक्चर है, सो हाँ मे बी स्टार वॉर्स बोल सकते हैं, स्टार वॉर्स सेकेंड वाला जो ओरिजिनल वाला जो है वो, जो जिसमें 6, 5, 6, 7 है वो, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड
वेरी गुड फ्रेंचाइज. मार्वल भी अगेन एंड गेम तक, वो भी उसमें सब कुछ नहीं. और अगर बॉलीवुड में बोलना है तो हेरा फेरी, लाइक फ्रेंचाइज है नहीं बॉलीवुड में. सो मैंने है तो मुझे पसंद नहीं है एटलीस्ट, बट हेरा फेरी आई थिंक इज द, मैं एंड आई रियली रियली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट होप कि 3 जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. तो ये है, गॉडफादर है, बट आई मीन हाँ ऐसे तो बहुत है, बट मेरे हिसाब से लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मार्वल, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 वाले, स्टार वॉर्स वो 3 वाले, और अभी ये कौन सा लास्ट, मार्वल एंड गेम तक, दैट्स माय फ्रेंचाइजीज. तेरे मामा लगभग सभी अच्छे वाले तो हो ही गए. बट या ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि मार्वल एंड गेम तक वॉज द बेस्ट समहाउ ह्यूमनली पॉसिबल टू मैनेज एक्सपेक्ट इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन, कैसे तो भी उन्होंने मैनेज करते रहे. अभी वो इतना पीक हो गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पीक दैट, और वो खराब होने ही वाला है. सो मे बी आफ्टर 15-20 साल बाद वापस मार्वल का अच्छा वो इतना नीचे चले जाएंगे कि फिर वापस इजीली दे कैन पीक ऑन खराब मूवीज. तो या मार्वल एंडगेम तक वाज द बेस्ट फ्रेंचाइजी. और एक मैं बताना चाहूंगा, एक ब्योमकेश बख्शी पिक्चर जो आई थी हाँ उसमें मतलब ऑब्वियसली इट वाज नॉट वेरी कमर्शियली सक्सेसफुल, ठीक ठाक ही चली, बट मेरे को अच्छा लगता है ये सब डिटेक्टिव मूवीज वगैरह देखना. तो हाँ मैं तो एकदम खुश हो गया था भाई ब्योमकेश बख्शी की मूवी बना दी वगैरह, एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी विथ वॉट इट टर्न आउट टू बी. एकदम विंटेज कोलकाता वगैरह दिखाना और वो सब मस्त लगा यार, मतलब देख के वगैरह. फिर मैं वो मेकिंग ऑफ वगैरह भी देखता था, उसमें भी वो सब दिवाकर बैनर्जी वगैरह पूरा सेट प्रोडक्शन का वगैरह बता रहा है कि हाँ ये यहाँ पे ये सब उन्होंने वो महामाया का कैसे बनाया वगैरह. सो इट वॉज लाइक ये लोग जेन्युइनली एफर्ट डाले हैं अच्छी मूवी बनाने में, एंड ऑब्वियसली मूवी ऐसी एंड होती है कि देर विल बी अ सेकेंड पार्ट. सो भाई मैं ऐसे हर 3-4 महीने बाद वगैरह से गूगल करता था कुछ न्यूज आई है ब्योमकेश बख्शी 2, और कुछ नहीं मिल रहा है. ऐसी कुछ तो एक सड़ा सा आर्टिकल मिलता था कि दिबाकर बैनर्जी इज फाइनली ओकेड द स्क्रिप्ट फॉर ब्योमकेश बख्शी 2, बस वही आर्टिकल में वापस 2-3 बार खोल लिया. तो कुछ कुछ हुआ नहीं उसका, राइट. ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत का ही हो गया, फिर तो अभी पॉसिबल ही नहीं है. बट या आई रियली वुड हैव लाइक इट टर्न्स आउट टू बी अ फ्रेंचाइजी. बट वही है, अगर पैसे बनाओगे तभी फ्रेंचाइजी बनेगी, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगी. बट हाँ बाकी बॉलीवुड में वैसा तो कुछ लगता नहीं, कुछ फ्रेंचाइजी ब्रह्मास्त्र बनेगी बट मुझे नहीं पसंद हो तो ठीक है. तुम क्या हो शिवा? अरे शिवा अरे बोलने हाँ, मेरे अभी फ्रेंचाइजी अगर हॉलीवुड में देखूँ तो मुझे जेम्स बॉन्ड सीरीज बहुत पसंद है. यानी जब अपन स्कूल डेज में थे तो मेरे घर के पास ना एक मेलोडी वीडियो करके एक शॉप था, तो वो सीरीज देता था. तो तब रीराइटेबल सीडी करके एक कंसेप्ट आया था, तो मैं सारे जेम्स बॉन्ड के पिक्चर कॉपी कर लेता था. तो सारी जेम्स बॉन्ड के ऑलमोस्ट सारे देखे हैं. उसके बाद ओशंस ट्रायलॉजी तो वो देखे हैं, गॉडफादर ट्रायलॉजी वो भी पसंद है. थोड़ा अगर और पीछे जाऊँ तो क्लिंट ईस्टवुड के द गुड द बैड द अगली एक मूवी है, वो एक अच्छा है. फाइव मैन आर्मी एक अच्छा है. गन्स ऑफ नेवरॉन एक अच्छा है. तो ये भी पसंद है. और बॉलीवुड में तो जैसे बताया कि मुझे अभी लेटेस्ट में या फिर थोड़ा पीछे जाओ तो नीरज पांडे की पिक्चर मुझे बहुत पसंद है फिलहाल. अ वेनसडे, सभी, बेबी, हाँ तो वो फॉलो कर रहा हूँ. कल्ट क्लासिक तो है ही हेरा फेरी. प्रियदर्शन जो डायरेक्टर है उसके सारे मूवीज पसंद है. बॉलीवुड में उसने बहुत अच्छा काम किया है. वो वाली मूवी थी ना, कोई तो भी, वो गांव में रहते सब लोग, मालामाल उनको वीकली. लॉटरी मिलती है, मालामाल वीकली. हाँ, वो भी बहुत कार्टून मूवी है वो भी. देखो फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी में अगर बॉलीवुड में अगर मैं चाहूँ कि कोई अलग, यानी फ्रेंचाइजी में अगर चाहूँ तो हेरा फेरी 3 तो सब सबका ही एंटिसिपेशन है कि बने बने बने. एक सर ना मैं भूल गया अभी, मैं कोई तो भी आया था मेरे मन में कि उसका सेकंड पार्ट मेरे को देखने का है और वो अच्छा बने. जैसे अभी इसने बोला, आई थिंक मामा ने बोला, ब्योमकेश बख्शी वाज रियली अ गुड मूवी, और जो उसका सेकंड पार्ट आना चाहिए.
हाँ, अंधाधुन वॉज द वन जिसका मेरे को सेकंड पार्ट चाहिए रहेगा, बट आई डोंट थिंक देर विल बी समथिंग सेकंड पार्ट के लिए कुछ बचा है. बट हाँ, जैसे इसने बोला कि कौन सा क्रिएटर है, बट उस क्रिएटर के सभी, हाँ, जॉनी गद्दार ऑल्सो देर वॉज अ सेकंड पार्ट का ये दिया गया था, बट कभी आया नहीं. तो बॉलीवुड में तो वही है कि साला करते हैं बट बोलते हैं, बट कभी लाते नहीं सेकंड पार्ट, या फिर कंसिस्टेंट सेकंड पार्ट नहीं लाते. हीरोइन चेंज कर देंगे, फोकटे में कोई भी ये चेंज कर देंगे. बट मेरे को लगता है कि जो फ्रेंचाइजी हॉलीवुड में बनी है उसमें मुझे आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मार्वल एंड एवरीथिंग देयर वाज प्लान्ड, बट जस्ट फॉर द शेयर एफर्ट द गाय हैज पुट इन, मेरे को मिशन इम्पॉसिबल के सभी 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 पार्ट्स अच्छे लगते हैं. रादर एक वो उसका फॉर्मूला सिंपल है, मेरे को प्रेडिक्ट भी करना आ जाता है कि अच्छा ये रहेगा, यानी ये लग रहा है विलन तो ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई तो भी दूसरा है. ये भी पता रहता. बट जो जैसे जो कुछ कुछ सीन्स आते, जैसे उस मूवी में था कि बुर्ज खलीफा से कूद गया, अभी उसने 10 मिनट का वीडियो डाला कि साला माउंटेन से बाइक उड़ा दी, जस्ट फॉर दैट आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, और उसका इसमें रिवॉच क्वालिटी अच्छा है. ये सब ट्रेडिशनली एक्शन या क्या बोलते हैं फैंटेसी जॉनर चल रहा है। मैं अलग जॉनर लाऊंगा रोमांटिक, इसमें बिफोर ट्रायोलॉजी। मुझे बिफोर सनराइज बहुत पसंद है, बिफोर सनसेट, ओह माय मिडनाइट गॉड, उतना नहीं पसंद। सनसेट और सनराइज तो मैं कभी, मतलब रिचर्ड लिंकलेटर इज एन एक्टर डायरेक्टर ऑफ नेक्स्ट लेवल। उसने ये तीन अलग फ्रेंचाइजी बनाई, फिर बॉयहुड एक फिल्म शूट की जो 10 साल उसने शूट की, उसी में लाइक दैट फिल्म इटसेल्फ सीम्स लाइक अ फ्रेंचाइजी बिकॉज़ ही हैज शॉट इट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रोमांटिक जॉनर टू डू अ सीरीज ऑफ लाइक एक के बाद दूसरा कंसिस्टेंटली इतने अच्छे लेवल पे करना, बट आई थिंक अदर देन बिफोर सीरीज आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर फिल्म इन रोमांटिक जॉनर विच हैज मैनेज टू पुल दैट सो वेल। मेरे को लगता है कि बिफोर सनराइज वाज लाइक थोड़ा सा डम डाउन वर्जन में मुंबई पुणे मुंबई फर्स्ट वाला, दे आर जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन थ्रू आउट द डे एंड एक्सप्लोरिंग ईच अदर, बट बिफोर सनराइज के कन्वर्सेशन काफी डीप थे, आई गेट दैट, बट एज अ मतलब मुंबई पैरेलल. पुणे मुंबई स्पॉइल्ड इट, लाइक मुंबई पुणे मुंबई फर्स्ट मूवी इज लाइक रियली गुड, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, बट उसके बाद जस्ट बिकॉज दे डिड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 द फर्स्ट वन हाँ, लॉस्ट इट्स चार्म, सो दैट्स ऑलवेज अ रिस्क। बट आई थिंक इट कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है. जैसे आई थिंक जो मैरिड लोग हैं फॉर देम एमपीएम 2 एंड 3 मेक सेंस, आई मीन आई कुड रिलेट टू सम ऑफ द पॉइंट्स. मुझे नहीं पता यार, मैरिड लोड कैन कमेंट ऑन। लाइक मैं बोलूंगा हाँ वही कि मुंबई पुणे मुंबई प्रॉब्ली रेलेवेंट है, बट वो यार आई डोंट नो कि इज इट अ वेरी जेनरिक थिंग टू से। इंडियन मूवीज अगर तुमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट नहीं रहा तो काफी नहीं समझते, बट बिफोर ट्रायोलॉजी स्पीक्स अबाउट ह्यूमन थिंग्स, नॉट अबाउट मराठी थिंग्स और इंडियन थिंग्स, तो उस टाइप में मतलब अच्छा है एक मतलब और उसका। फ्रेंचाइजी मेरे को बोलना था कि जिसके लिए मैं था, बट आई आई थिंक इट विल नॉट मटेरियलाइज. मेरे को जस्टिस लीग का श्नाइडर कट बहुत ज्यादा पसंद आया था, आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर वॉट देवर एमिंग फॉर, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इट विल हैपन, बट आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट. मेरे को डीसी का जो ट्रीटमेंट ऑफ सुपर हीरोज है, क्योंकि मैं ये हो गया था, पहली बात तो मार्वल का जो सुपर हीरो ट्रीटमेंट है उससे मैं बहुत ज्यादा ये हो गया था, फटीग्ड हो गया था, मेरे को नहीं अच्छा लगता फोकट में बीच में, फोकट आई मीन फॉर नथिंग कॉमेडी डालना. जो डीसी का तो ट्रीटमेंट था मेरे को अच्छा लग रहा था, बट आई थिंक इट विल नॉट, मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा. नहीं यू नेवर नो इट, 20 साल में करेंगे रिबूट, क्योंकि वही मार्वल ने बहुत ज्यादा अभी सुपर हीरो मूवीज को ये कर दिया है। बट आई थिंक नोलन वाला नहीं बोलेंगे क्योंकि आई थिंक वो बहुत कॉमन एग्जांपल है। आपने मेरा आंसर तो ले लिया बिफोर ट्रायोलॉजी, बट आई डोंट नो, द मैट्रिक्स भी बहुत सही है, मतलब नॉट जस्ट एज एक्शन मूवी। तो मेरे को लगता है कि फ्रेंचाइजी ट्रिलॉजी तब बनना चाहिए व्हेन यू हैव एन एंड इन माइंड, एंड तुम एक मूवी में नहीं बता सकते। जो मैट्रिक्स का था तो रिलोडेड प्रॉपर्ली उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो जो कंसेप्ट था भाई, मतलब 2000 में वो मूवीज इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो आई थिंक मैट्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। एंड वो मूवी देखे मेरा अभी तक जो माइंड फक है कोई मूवी देखे नहीं हुआ। वो मूवी देखे मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया था जब मैं 9 साल का था, ये मेरी सच में जिंदगी है कि मैं कोई सिमुलेशन में हूँ, मतलब वो मूवी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट जो बोलेंगे जो मूवीज में चैलेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, मतलब तो नोलन का मेरे को लगता है कि
डार्क नाइट के एंडिंग में लगता है ये मतलब जोकर का पॉइंट तो सही था, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं था। एंड आई थिंक हमने पहले भी रेफरेंस किया कि शांतनु मजुमदार और मतलब दोनों सेम मूवी देखने गए बट दोनों अलग अलग बन गए, तो बैटमैन और जोकर की स्टोरी भी काफी सिमिलर है, मतलब वन बैड डे कैन चेंज योर लाइफ, तो उस टाइप का मतलब वैसे मूवी में कोई इसमें मैटर्स कर रही थी, तो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड आई थिंक वो अभी भी लोगों को नहीं समझा और वो गलत टाइम पे रिलीज हुई, तो अभी के टेक्नोलॉजी के साथ हुई रहती तो, क्योंकि अभी उसका फोर्थ पार्ट है और वही है कि मूवी को पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो उसका भी जो फोर्थ पार्ट है वो इतना खास नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज लीव ऑन अ हाई, जो मार्वल नहीं कर पाया जो नोलन ने किया ऐसे मेरे को लगता है, बट हाँ यू शुड ऑलवेज लीव द ऑडियंस क्रेविंग फॉर मोर। तो सक्सेशन हैरी पॉटर का नाम, हैरी पॉटर का नाम दिया था क्या? नहीं हैरी पॉटर नहीं लिया वो, बट हैरी पॉटर बुक ज्यादा सही लगती है। हाँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट पे हैरी पॉटर इज आई थिंक मतलब it's the only franchise that could deliver consistent performances over 7-8 parts. I don't know how much. मेरे को लगता है हैरी पॉटर इज माय क्रिसमस वाला थिंग, मैं जब क्रिसमस आता है मेरे को देखने की इच्छा होती है हैरी पॉटर, ऐसे दिन भर हैरी पॉटर देख सकता मैं, बट हैरी पॉटर मैंने मराठी में आई एम द गाय वो जिसने हिंदी में देखा है, तो मेरे को इंग्लिश वाला उतना अच्छा नहीं लगता, हिंदी वाला इज फील पितृ पितृ रक्ष रक्षणम इज is good than वो जो भी इंग्लिश में बोलता है उससे नागेश नाग शक्ति but हाँ वो नहीं this privilege का बोल रहा है पेट्रोनस पेट्रोनस वाला बोल रहा है, हाँ वो मेरे को समझ गया, but in general वो पता नहीं है, मतलब हिंदी वर्जन नहीं तूने संस्कृत वाला देखा है इसलिए वो, तो let's not debate Harry Potter I don't know books बुक्स को नहीं रेप्लिकेट कर पाया एटलीस्ट इन द एंडिंग, मतलब हैरी पॉटर में पूरा गोल्ड था उनको और उन्होंने एंडिंग में कुछ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे एंडिंग हटा दी, तो बुक पढ़ना चाहिए हैरी पॉटर। बट वही है ना जो मैंने बोला था पॉइंट एक्चुअली कि जैसे हैरी पॉटर उसने सेवेंथ को दो इसमें किया, अभी वो ग्रिंडलवाल्ड आ रहा, सॉरी वो क्या सीक्रेट बीस्ट कुछ तो भी फैंटास्टिक बीस्ट, तो मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैट्रिक्स बोला ला रहा नहीं, तो मैट्रिक्स का भी लाइक वन तो आई थिंक वन को जो नहीं समझ पाया वो बोलेगा ही नहीं, बट जो बचे हुए टू थ्री है वो भी सेम मुंबई बड़े मुंबई जैसे पार्ट वन पे वो लोग छोड़ नहीं पाए, उनको छोड़ना था बट वो छोड़ नहीं पाए, सब फोर तक आ गया, फोर मैट्रिक्स इज आई मीन उसमें वो लिटरली एक्नोलेज करते कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर बनाएंगे हम रहे या ना रहे, तो उससे अच्छा हम रह लेते, तो सेम विद देखो बहुत ही इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं दिल को लगने वाला पॉइंट है कि इतने अच्छे अच्छे आईपीज है, इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है और तुमने वो सब लाइक आज के जमाने में अगर तुम देखोगे तो एक भी मूवी फ्रेंचाइज अभी टॉप पे नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइक द लास्ट थिंग आई कैन रिमेम्बर इज टॉप गन, वो भी सीक्वल है सिर्फ एक, लाइक दैट इज नॉट इवन अ फ्रेंचाइज एनी मोर, मिशन इम्पॉसिबल आएगा तो पता नहीं कितना आएगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट देर इज नो पूरा लाइक एंड गेम to think about it 2019 mein aayi thi Endgame and it is just 4 years away, to tab Marvel unbeatable tha, like aise tha ki khada karo kisko bhi samne, ha lao Spielberg kitne bana tha picture to dekhte abhi, lao Nolan lao Tarantino kisko bhi lao nahi beat kar sakte tum, ek uske baad jo usne jo decline laya hai wo I mean bahut hi I think Marvel ki I'm very confused always, mere khayal se Shutter Island ki line hai but wo Dark Knight ki bhi hai ki like you either die a hero or you live long enough to see yourself become the monster, ye either iski hai ya uski I don't remember but mostly dono mein attack version hai tune dark knight wala bola ha ha to wahi to mereko wo bolna tha ki ye bahut hi yani ye curse se escape rehna chahiye aisa mereko lagta hai, wo yani commercial ho jata hai tab fir there is no option, I think one of the best example is mereko nahi acha laga bhul bhulaiya ki franchise destroy karna बहुत डिस्कशन हुआ अभिषेक बच्चन को लाओ कार्तिक आर्यन को लाओ इसको लाओ उसको लाओ, आई मीन यू कैनॉट वो जो केमिस्ट्री थी वो जमाने में या जो भी था इट इज वेरी वेरी इरिप्लेसेबल, लाइक यू कैनॉट डू दैट, अंदाजा अपना अपना टू का कितना ज्यादा होता है ये, बट अभी आई डोंट नो कि सलमान खान अभी का कितना ही रिक्रिएट कर पाएगा वो, या आई थिंक हैट्स ऑफ टू परेश रावल, मैं हमेशा शंतनु को बोलता हूँ ये कि परेश रावल अंदाजा अपना अपना में भी है, परेश रावल हेरा फेरी में भी है, लाइक वो दो डेकेड अपार्ट है,
और वो विलन भी रह चुका है बहुत. तो आई मीन परेश रावल इज सच अ लाइक हैट्स ऑफ टू हिम. कॉमेडी मेरे को लगता है इंडिया कॉमेडी लेजेंड है वो. लाइक उसके आसपास भी फिलहाल आई मीन आई डोंट नो कोई है और ही नहीं. लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू कि हेरा फेरी 3 बहुत ही ज्यादा टट्टी मूवी रहने वाली है, क्योंकि विदाउट अ डाउट. मतलब किसी को जैसे स्टॉक शॉर्ट कर सकते हैं, वैसे मूवीज अगर शॉर्ट कर सकते हो मैं तो पूरा जितना ब्लैंक बैलेंस सब डाल दूंगा हेरा फेरी 3 को शॉर्ट करने में. भाई उसका राइटर डायरेक्टर फरहाद सामजी करके है, एंड मैंने जस्ट हाँ गूगल किया बिल्कुल, उसकी एक्स हाँ मूवीज क्या है. ओके, बच्चन पता है. पांडे, हाउसफुल 3, एंटरटेनमेंट, किसका भाई किसकी जान, हाउसफुल 4, चेन्नई एक्सप्रेस, ये उसके मूवीज है. तो नहीं है, खत्म है मूवी. तो चेन्नई ठीक है. एक्सप्रेस पे यू हैड मी लाइक अभी तक. हाउसफुल 4 वगैरह. अरे यार आई थिंक मतलब अगर क्रिएटर्स की बात करी रहे तो आई थिंक द बेटर सेगवे वुड बी लेट्स टॉक अबाउट अवर फेवरेट, जो अभी करंट जो फेवरेट अपने ये है जिसके मूवीज यू लुक फॉरवर्ड टू, अभी के जो क्रिएटर्स है, नॉट द पास्ट वंस, अभी अभी के जो डायरेक्टर है डायरेक्टर्स क्रिएटर्स है ना. जैसे अभी आई स्टार्ट, मेरे को राजन डी के जो करंट है, आई थिंक आई जस्ट वॉच देम, उनके कोई इफ दे डिश आउट एनी प्रोडक्ट आई विल वॉच इट, बिकॉज उनका मेरे को स्टोरी टेलिंग स्टाइल ही बहुत ज्यादा पसंद है. उनके मूवीज बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, मैं सबको सजेस्ट करता. आई थिंक श्रेयस हंस रहा है बिकॉज श्रेयस का मैंने बैठ के दिखाने का ट्राई किया है. अ जेंटलमैन से उन्होंने स्टार्ट किया था करके मूवी है, अ जेंटलमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा की, राजन डीके की फर्स्ट मूवी, उससे मैं उसका फैन हूँ. अभी दे हैव मेड फैमिली मैन 1 एंड 2, दे हैव मेड अभी अभी का शो जो है फर्जी. मूवी में कौन सा लाया यार, उन्होंने मूवी भी की थी और एक राजन डीके ने, वो मैं भूल रहा हूँ. बट राजन डीके के जो भी उनका दे आर लाइक, मैं उनको अपना इसका ये समझता हूँ, रूसो ब्रदर्स बॉलीवुड का. देयर स्टोरी टेलिंग स्टाइल इज सेम, कि वो थोड़ा सा सेल्फ खुद पे भी जोक मारते हैं, जैसे मार्वल खुद पे जोक मारती थी वैसे वो, दे डोंट नॉट टेक इट सीरियस. जैसे फैमिली मैन का भी ट्रीटमेंट है, उन्होंने ऐसे सीक्रेट एजेंट पे ऐसे कुछ हाई फाई एकदम बंदा नहीं बताया, वो लिटरली सब्जी खरीदने जाता है, उसको भी बॉस को बहाने बहाने पड़ते हैं. आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज रियली रियली गुड, पर वो एकदम नॉर्मल चीज में बताते हैं, तो इसलिए मेरे को सही लगता है. सो आई उनका थिंक वो फॉर मी सिटाडेल भी 1 परसेंट. आ रहा है अभी विवेक, सिटाडेल भी आ रहा है प्राइम वीडियो पे, उसके डायरेक्टर है वो राजन डी के, प्रियंका वो प्रियंका चोपड़ा और उसका, चोपड़ा आ रहा. हाँ सही 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 सही. सो और आई थिंक मैं शोर इन द सिटी एक भी उन्हीं का है. मतलब काफी सही से मुझे स्त्री में भी राइटर बैठे थे, तो मतलब सही है उनका फिल्म. यानी मेरे को अगर डायरेक्टर लेना है तो राजन डीके, और मूवीज में अगर आई डोंट थिंक अभी बॉलीवुड में कोई मैं डायरेक्टर लुक फॉरवर्ड करता हूँ. बट हाँ, जैसे दिबागर बैनर्जी वगैरह है, आई आई लाइक देयर मूवीज. कहानी वगैरह शायद शायद कहानी उनका ही था ना. हाँ हाँ, वो हाँ उनका आई उनका देखता थिंक हूँ. हाँ आई थिंक हाँ ओके. मैं इसमें बोलूंगा कि मतलब अनुराग कश्यप ठीक है, मैं बहुत ही मतलब मेरे को पसंद नहीं हूँ बंदा एज अ बंदा, बट उसकी मूवीज सही में अच्छी है. मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जितना टाइटली पैक्ड और हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा है, मस्त कंटिन्यूअसली एंगेज्ड विद द ऑडियंस, ऐसा मूवी हाँ बनाना बहुत मुश्किल है. जब तुम 3-3 घंटे के मूवीज बना रहे हो, मतलब 6 घंटे ऑडियंस को फुली एंगेज रखना. मैंने बहुत बार कैसे कि सुबह गैंग्स ऑफ वासेपुर लगा के शाम तक खत्म किए. तो इट्स रियली ब्यूटीफुल. और ऑफ कोर्स ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे वाज अल्टीमेट मूवी उसकी थी. ठीक है, उसने वो थोड़ा ठीक है वो थोड़ा नहीं, कर तो दिया बोल उसका सकता है एजेंडा उसका. पॉलिटिकल पॉलिटिकल बोल सकता हाँ है हाँ सर्वे, नो डोंट, यू डोंट हैव टू बी सो करेक्ट. बट मेरे को लगता है कि मेरे को ये देना था कि आई लाइक अनुराग कश्यप. उसकी अगली मूवी देखना, किसी ने नहीं देखी होगी तो. सो उसका जो मस्त पॉइंट है, उसने मूवी में बस ये बताया कि एक बच्ची खो जाती है एंड एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन थिंग्स, सो एडल्ट लाइफ इज सो, अरे कितनी खराब रहती है कि तुम बच्ची का पॉइंट तो छोड़ दिया सबने, वो अपने ही लगे है, और फिर बच्ची देन शी आई थिंक ठीक डाइज है, आई मतलब गेस. मूवी देखते थे हाँ लोगों जो भी को. है, बट आई मीन यू हैव टू फील इट. बट अनुराग कश्यप नाउ आई थिंक ही हैज लॉस्ट हिज चार्म अ लिटिल हाँ, बिट. सो आई टेल यू व्हाई आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर अनुराग कश्यप, कि उसको वॉल्स ब्रेक करनी है, उसको ट्राई करना है. ठीक है यार, डीजे मोहब्बत और क्या इश्क मोहब्बत, ऐसे टाइम पास कुछ तो मूवी बनाया,
उसके पहले भी बॉम्बे वेलवेट जो मूवी उसको नहीं बनाना था उसको वही बनाने का, कि ठीक है बहुत हो गया, ब्लैक फ्राइडे वगैरह बना लिया बॉम्ब ब्लास्ट का, ठीक है मैंने गांव के गुंडागर्दी का बना दिया, बट मेरे को भी ये प्यार मोहब्बत वाली मूवी बना के देखनी है, आई विल ट्राई. सो दे आर ट्राइंग, ही इज ऑलवेज ट्राइंग समथिंग न्यू. सो आई मीन अगेन वी ब्लेम वाई पीपल आर नॉट मेकिंग सुपर हीरो मूवीज इन बॉलीवुड, या फिर स्टिकिंग टू द सेम फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी, एंड हियर इज अ गाय हु इज रियली ट्राइंग टू ब्रेक वॉल्स एंड मेकिंग न्यू सिनेमा. सो हैट्स ऑफ टू दैट फॉर हिम. ठीक है मैंने, बट अभी आई थिंक वो भी अच्छी थी, वो रोमांटिक में वो बनाई थी ना, वो कौन, अभिषेक बच्चन और उसकी मनमर्जी डूड मनमर्जी। डूड कैनॉट यू, इट्स अ हॉरिबल गार्बेज मूवी, लाइक इट्स आई मीन लेट्स अरे नॉट. नहीं, नहीं नहीं उसके लिए नहीं, पूरी वल्लभ को मूवी का तापसी उसको की नहीं मूवीज बोलूंगा। पसंद नहीं है विवेक, वल्लभ को तापसी की मूवीज नहीं पसंद नहीं है, नहीं तो नहीं 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 एक और उसके मूवी हम गाने दे देंगे, अच्छे, देखो थप्पड़ दे देगा तुझे ज्यादा बोलना. गाने अच्छे थे पहली बात तो। और दूसरा वो एक सीन मेरे को हमेशा याद रहेगा, वो विकी कौशल इसको तापसी पन्नू को लेके जाते हैं गाड़ी में, वो बोलते हैं कि अपन भाग रहे हैं, वो बीच रास्ते में भागते रहते हैं, और बीच रास्ते में वो पूछती है कि तुम्हारे गाड़ी में कितना पेट्रोल है, बोले चल जाएगी 10-15 किलोमीटर, पैसे किधर है, उसके पास पैसे नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, वो लड़के को भगा के लेके जाता है, वो उसको रोकती है ठीक है, और बोलते हैं साले तू प्यार तो बहुत अच्छे से करता है वगैरह वगैरह, तू बंदा ना बहुत अच्छा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हक देता है, ऐसे करके उसको वो वापस लेके जाती है। दैट सीन इज लाइक एपिक एपिक, यानी लव को प्रैक्टिकलिटीज, यू ऑलवेज थिंक ना कि भगा के लेके जा रहे, कैसे खाना खाते होंगे, कैसे जब का पैसे कमाते होंगे, दैट सीन ऐसे अपन सोचते हैं ना, उसने उसको एक्नॉलेज किया कि भाई इस बंदे के पास उतना भी सेंस नहीं कि क्या करेंगे। एंड विक्की कौशल का कैरेक्टर तो मैं कभी भूल नहीं सकता उस मूवी में। क्लियरली मतलब इज नॉट इम्प्रेस्ड विवेक, तो वो नहीं देखने वाला मूवी है तो. नहीं मूवी देखी है मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट इज द होल प्रॉब्लम. द आई थिंक इट हैज बीन शोन इन अ मच बेटर वे बाय मेनी पीपल द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, एंड इन अ मच कमर्शियल वे. सैराट है तुमको देखना ही है तो, कि कैसे जी रहे करके. आई ऑल्सो डोंट लाइक सैराट, बट देन माई होल पॉइंट इज की एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल इज फाइन, जैसे इसने बोला मामा ने कि ही इज ट्राइंग समथिंग, या आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट, डजंट मीन वॉट एवर यू एक्सपेरिमेंट इज गुड. सो हॉरिबल मूवीज और हॉरिबल मूवीज, बिल्कुल. या एज सिंपल एज दैट. और मेरे को टू बी रियली ऑनेस्ट, ऐसा कोई मेरे को आंसर क्वेश्चन का ये देना है कि देख ऐसे कोई एक नहीं है, जैसे रूसोज मे बी द वन, ये अभी के हिसाब से. वैसे तूने क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, क्योंकि करंट मूवी डायरेक्टर्स में तो स्टीवन स्पीलबर्ग भी है ना, स्टीवन स्पीलबर्ग भी हर साल एक मूवी हाँ बना रहा है. आई मीन तो तेरे को कौन सा आई मीन व्हाट मूवी डायरेक्टर्स एक्साइट यू? आई थिंक आई डोंट मूवी थिंक अभी अभी वो जो कौन सा है अपने गुरुदत्त तो नहीं मूवी बनाते ना वैसे वाले, गुरुदत्त नहीं बना था. बट यानी मैं वो गुरुदत्त बोल रहा हूँ पे कि लोग गुरुदत्त पे बनाते हैं चुप. सो आई थिंक आई एम वेरी एग्नोस्टिक दैट वे, लाइक जैसे मैंने बोला कि इट्स वेरी वेल नोन इन जनरल अवर फ्रेंड सर्कल में कि श्रेयस बोलता है कि नोलन बहुत अच्छा डायरेक्टर है वगैरह. तो आई 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 अग्री, लाइक ही हैज मेड गुड मूवीज, ही हैज मेड नॉट गुड मूवीज, बट आई मीन द फैक्ट जो मामा ने बोला कि ही इज ट्राइंग टू समथिंग, ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट ट्राइड बिफोर बाय हिम, आई आई रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. बिकॉज आई मीन जैसे मैंने बोला ओपनहाइमर कर रहा है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ओपनहाइमर. रूसोस का है, दे आर ऑल्सो नॉट स्टॉपिंग, उनका एक अच्छा मूवी आ रहा है. आई डोंट कंसल्टेंट, ऐसा कंसल्टेंट नहीं, ऐसा कुछ तो भी है, आई डोंट रिमेम्बर. इट्स इट्स उसका सेटअप ट्रेलर अच्छा लगा. सो आई फील दैट एक्सट्रैक्शन टू, सॉरी एक्सट्रैक्शन टू आ रहा है, एक्सट्रैक्शन इज अ वेरी गुड. जो एक चीज मिस हुई है वो अच्छा पिक्चर, इतने एक्शन पैक्ड है, सिंपल है, खत्म करो बात. तो आई मीन रूसोज मे बी द वंस, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इफ एवर इन माई होप फॉर ये कि, बट अभी वो है नहीं शायद, वो शंतनु कैन टेल मी, वो जो नीरज चोपड़ा है उसका डायरेक्टर, उसका नीरज पांडे, आई डोंट रिमेम्बर, जो मणिरत्नम सॉरी प्रियदर्शन का ये लिखता था, मोटा आदमी जो एक्टर भी था, आई डोंट रिमेम्बर, वो मर गया है अनफॉर्चुनेटली. तो उनका जो अरे कॉम्बिनेशन था, सो जो एक हाँ बॉलीवुड का कॉमेडी टाइम था 2000s वाला या लेट 90s वाला, तो ही यूज टू राइट दैट एंड प्रियदर्शन टू डायरेक्ट दैट. सो आई 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 रियली होप दैट सम गुड कॉमेडी मूवी कम्स आउट ऑफ बॉलीवुड, अ रियली गुड कॉमेडी मूवी. हेरा फेरी 3 मामा ने डिसअपॉइंट कर दिया, बट दैट इज समथिंग दैट आई विल लुक फॉरवर्ड टू. अपार्ट नीरज फ्रॉम हो दैट रहा था वो, कंटेंट, नीरज वोरा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो
तो मेरे को वो आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू गुड कंटेंट इन जनरल, नथिंग इन पर्टिकुलर, ऐसा कोई फेवरेट क्रिएटर है नहीं। स्पीलबर्ग भी घटिया मूवी बनाता है और नोलन भी अच्छे पिक्चर बनाता है, सॉरी अनुराग कश्यप भी अच्छे पिक्चर बनाता है, नोलन तो अच्छा है ही थोड़ा सा। मतलब मेरे को बोला है कि फेवरेट डायरेक्टर आइदर दो टाइप के रहते हैं, एक है दोज हु आर वाइडली लव्ड, मतलब जितना ब्लॉकबस्टर बनाते हैं वो, बट इफ यू मेक आई थिंक जिसे एक वेट बटा का ये था कि यूएस के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं या फिर कमर्शियल मूवीज कौन बनाते हैं, Those who don't feel very deeply about a certain topic, क्योंकि तो वो एक ही जो blockbuster movie बनाते हैं ना उसमें कुछ point नहीं रहता movie में, क्योंकि वो mass movie है, मतलब there's a reason why it's called a mass movie, क्योंकि एक गांव का बंदा और एक philosopher बंदा है, मतलब सब जाके देख सकते हैं। तो directors में भी I think it's similar, जो विवेक बोल रहा था कि अनुराग कश्यप उसको expect है, क्योंकि अनुराग कश्यप का जो point of view है probably विवेक agrees with that, तो इसे creative director और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर में आई थिंक डिफरेंस है। तो नोलन इज फॉर मी अ गुड डायरेक्टर, बट वो छोड़ के अगर वल्लभ से कंट्रोवर्सी लानी है तो मैं बोलूंगा इम्तियाज अली मेरे को सही लगता है, क्योंकि वो जो मूवीज बने थे ही स्टेज ट्रू टू हिज थिंग कि जर्नी इज इम्पोर्टेंट, सूफिज्म पे थोड़ा सा बनाता है, अभी तो थोड़ा फिर भी वो कमर्शियल होने लग गया, बट हिज मूवीज आर ऑल्सो समथिंग विच रिजोनेट विद मी अ लॉट, कि जैसे रिचर्ड लिंकलेटर तो था ही बट अभी मूवीज भी बना रहा। तो मैं यही कह रहा था कि इम्तियाज अली तो है, इम्तियाज अली अनुराग कश्यप ये दोनों बॉलीवुड में काफी पसंद है, एंड इम्तियाज अली का मुझे एक अच्छा लगता है कि वो कहाँ से लाइक ही स्टार्टेड विद सोचाना था एंड कपल ऑफ रोमांटिक मूवीज, और अभी ठीक है हैरी मेट सेजल वगैरह कुछ टाइम पास, और अभी कौन सी वो लव आजकल 2, तो थोड़ा फिसल गया, बट आई ऑलवेज हैव होप फ्रॉम इम्तियाज। और अनुभव सिन्हा भी आजकल बॉलीवुड में मूवीज बना रहा है, मुल्क रे एक जमाने में उसने वो 10 बहाने बनाई थी, अभी कुछ और बना रहा है। मराठी इसमें मैं 2-3 डायरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अपना नागराज मंजूड़े है, फैंड्री और सैराट, इतने में मैंने लेटेस्ट वाली शायद नहीं देखी उसकी, चैतन्य तामणे कोर्ट और डिसाइपल किसी ने देखी होगी, तो बहुत ही अलग, मतलब अलग ही कल्ट क्लासिक बनाता है वो। नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस नेसेसरली, बहुत मूवी एक दो बार देखनी पड़ती है, बट ही विल पिक अप सम एक्सट्रीमली रैंडम टॉपिक एंड डू इट एक्सट्रीमली वेल, एंड आई थिंक बॉलीवुड हॉलीवुड में तो ऑफकोर्स नोलन, आई थिंक आई मस्ट हैव वॉच्ड एवरी सिंगल नोलन मूवी, लेटेस्ट टेनेट नहीं देखी है, बट अदर देन दैट नेट नहीं देखी तो भी चलेगा, मतलब इतना कुछ ही नहीं है। बट इम्तियाज अली का मैं वही बोलना था एक लास्ट पॉइंट, कि हर एक पर्सन की एक लिमिट रहती है कि तुम अपनी लाइफ का कितना तुम खुद का परसेंटेज एक्सपोज कर सकते हो, तो प्रॉब्ली उसका वो हो चुका। और जो विवेक बोल रहा था ना कि यार डायरेक्टर को उस टाइप की मूवी करनी है, तो इट्स नॉट, मतलब हम उसके लिए नहीं बैठे कि डायरेक्टर का पर्सनल ग्रोथ देखने के लिए, मतलब वो कैसे कॉन्टेंट क्रिएट करता है, मतलब फॉर मी ऐसा नहीं कि उसने बॉम्बे रोड बने तो इज ट्राइंग, मतलब यार मैं अनुराग कश्यप की मूवी देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे रोड देखने जा रहा हूँ, तो जिस कंटेंट पे तुम बना रहे हो मेक इट ऑनेस्टली, तो मुझे लगता है इम्तियाज अली का ऑनेस्टली बनाते हैं मूवी। जो लव आजकल 2 भी तूने बोला ना कि कुछ कुछ ठीक है, प्रॉब्लम मूवी अच्छी नहीं थी बट वो कंटेंट ऑनेस्ट था, उसके कुछ डायलॉग्स बहुत रॉ रहते हैं, तो लव आजकल 2 में गाने में था कि प्रॉब्लम पर्सनल होगा मेरा कि कुछ भी बहाने करके तुम्हारे घर के आगे से गुजरना, तो वो जो रॉ टच है ना कि जब अपने बच्चों को कोई पसंद आता है तो स्कूल से घर जा रहे तो लंबे रास्ते उसके घर के आगे से जाएंगे, उस टाइप का वो कैप्चर कर लेता है जो शायद बाकी सब नहीं कर सकते, तो कोई बट वो सबको नहीं कनेक्ट होगा, वल्लभ क्या चेहरे से दिख रहा है उसको नहीं कनेक्ट हुआ, तो इसलिए वो इंटीमेट वाला एंगल हो जाता है कि कुछ कुछ चीजें तुमको पटती है कुछ नहीं पटती, तो दैट वे आई फील। थप्पड़ तो ये अच्छी, आई थिंक अब कौन अभिनव कश्यप है ना, नहीं अभिनव सिन्हा, तो अभिनव सिन्हा सेम लगता है, वल्लभ के साथ एग्री करूंगा मैं, ही इज मेकिंग वोक टॉपिक्स, क्योंकि वोक अभी लाइन में मतलब उठा रहे कि क्या है, तो उसने एक आई थिंक आयुष्मान खुराना के साथ बनाई, उसने एक फेमिनिज्म पे बने, पिंक बने, फिर थप्पड़ बने डोमेस्टिक्स पे, he doesn't care about those topics, he knows कि अब ये चल रहा है, इसलिए like I don't like people who are making films for the sake of commercial hit, मतलब तुम you are not making art then basically, तो ठीक है थप्पड़ मूवी अच्छी है बट टाइमिंग के हिसाब से इट्स वेरी सस्पेक्ट। आई थिंक रावण के पहले भी कुछ और बनाया था उसने अभिनव सिन्हा ने, जो मेरे को याद नहीं, 10 बहाने जो तू बोल रहे, 10 10 10 10 हाँ 10 वही हाँ, तो रावण तो आई थिंक पैसे के लिए किए थे उसने, बट वो जो स्टार्टिंग में मूवीज बनाते हैं डायरेक्टर्स, दोज आर व्हाट दे ट्रूली फील अबाउट, एंड बाद में इट्स मोर आउट क्या चलेगा, तो आई डोंट
लाइक आई थिंक पीपल इवॉल्व. हाँ इम्तियाज अली को जब भी क्योंकि मैट लाइक पीपल विल नॉट नो इम्तियाज अली बाय जब भी मैट. इट्स अनलाइकली रॉक स्टार और तमाशा फॉर दैट मैटर बिकॉज बट दैट डजंट मीन दैट ही डजंट फील अबाउट जब भी मैट या सोचाना था फॉर दैट. आई मीन इम्तियाज अली का रॉ मेरे को सोचाना था मैं दिखाता, जो शायद किसने देखा ना होगा पता नहीं, बट उसमें अभय देओल ने था. एंड जो पीपल इवॉल्व वाला एंगल है ना, जो करंट एक्टर है फरहान अख्तर जोया अख्तर हैंड्स डाउन, कि वो जो मूवीज बनाते हैं जोया अख्तर स्पेशली, मतलब शी स्पीक्स अबाउट सोशल इनइक्विटी, दिल धड़कने दो में कुछ कुछ डायलॉग्स जो है, शी कम्स फ्रॉम वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड बट मतलब शी राइट्स वेरी वेल. एंड फरहान अख्तर का भी आई थिंक चाहता है जो इसने बोला शांतनु ने, पहली मूवी थी बॉलीवुड में जिसमें स्क्रिप्ट लिखा था, सब फॉलो हुआ था, तो ही बॉट दैट डिसिप्लिन इन बॉलीवुड. तो दिल जाता है इज नॉट जस्ट अ ग्रेट मूवी, इट्स अ वंडरफुली मेड मूवी. तो एक मतलब एक डाइकोटॉमी ऑफ आयरनी करके एक लिखता है ब्लॉग, उसका देखना, उसने बुक भी लिखा है दिल चाहता है पे, तो बहुत ज्यादा लेयर्स. एंड दिल चाहता है इज अ फ्रेंचाइजी, मतलब वो होनी चाहिए थी, बट इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल की 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे का लगता नहीं, एक एक सीन अलग है, मतलब तीनों कैरेक्टर्स को भाव दिया है और जो थीम्स कवर किए ना, दैट इज फरहान अख्तर का सोल. और बाद में वो भी अभी कैसे डॉन वन में आ गया, बट ठीक है, ही शुड मेक मोर मूवीज लाइक दिल चाहता है, बट प्रॉब्लम उसके पास कॉन्टेंट नहीं है वो तो. हाँ, बॉलीवुड में मेरा फेवरेट डायरेक्टर अभी नीरज पांडे है, क्योंकि उसके मूवीज एक्शन एक्शन पैक्ड थ्रिलर सब सब कुछ है. अरे उस जैसे बेबी में कैसे वो वहां से उसको एक्सट्रैडिट करता है यूएई से और इंडिया लाता है, उसके बाद स्पेशल 26 उसका अच्छा है, अय्यारी उसका अच्छा है, ये अब वेनसडे उसका कल्ट क्लासिक पिक्चर है, वो एक सही लगता है. उसके बाद प्रियदर्शन की सारी मूवीज अच्छी है, सारे यानी उसकी जो टीम है प्रियदर्शन की, उसने जो टीम बना के रखी है या फिर वो जो मूवी में सब उसका ये रहता है इम्प्लीमेंटेशन रहता है सब, कंफ्यूजन क्रिएट करना एक जगह सबको लाके वहां पे कुछ केओस करना, वो बहुत अच्छा लेता है. हाँ, नीरज पांडे का और एक बोलना था, उसने एक वेब सीरीज बनाई थी स्पेशल ऑप्स करके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट था, दोनों पार्ट उसके अच्छे थे, आई थिंक एक 1.5 और स्पेशल ऑप्स वन ऐसा कुछ और था, वो एक अच्छा था. उसके बाद हॉलीवुड में मुझे जेम्स बॉन्ड, जॉन ग्लेन के जो डायरेक्टर है जेम्स बॉन्ड का, जो मोस्ट ऑफ द जेम्स बॉन्ड उसने डायरेक्ट किए है, वो एक पसंद है. और मराठी में एज अ डायरेक्टर जो मुंबई पुणे मुंबई जो वन था उसका, जो आई थिंक राजवाड़े कोई करके एक डायरेक्टर है ना, सतीश राजवाड़े, सतीश राजवाड़े, उसका पहला पार्ट बहुत अच्छा उसने डायरेक्ट किया था वो था. उसके बाद सचिन पिलगांवकर एज अ डायरेक्टर, वो भी महागुरु. महेश मांजरेकर भी अच्छा है यार, महेश मांजरेकर भी अच्छा है, महेश मांजरेकर वो भी अच्छा है, उसका मी शिवाजी भोसले बोलते है वो भी भाई, और एक दो बायोग्राफी और बनाई भाई भाई अच्छा बना है. मेको एक बिफोर वी ट्रांजिशन ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी है, मेको एक बोलना है कि इम्तियाज अली ने एक भी अच्छा पिक्चर नहीं बनाया, घटिया डायरेक्टर है वो, और लाइक वाहियात पिक्चर बनाता है वो एकदम. और जब भी मैट अच्छा पिक्चर है, आई विल गिव यू दैट, रॉकस्टार में एक्टिंग अच्छी है, पिक्चर स्टोरी आएच नहीं, घटिया पिक्चर. और कौन सा तमाशा, तो मतलब बोल मुझे तमाशा था तो पूर्णपणे. और आई मीन इम्तियाज अली ने एक एक अच्छा पिक्चर नहीं बनाया मेरे हिसाब से, एक अच्छा पिक्चर, और दूसरा अनुभव सिन्हा ने सिर्फ वो पिक्चर बनाया है. शिवल्लभ, इम्तियाज अली का जैसे श्रेयस ने कहा कि एक सोचा ना था करके एक मूवी था अभय देओल का, वो मैं देखा नहीं है, आई एडमिट टू दैट, जो मैंने वो देखे हैं वो सब घटिया है, उसमें सिर्फ जब भी मैं ठीक लगा मेरे, हाईवे भी अच्छा नहीं लगा, हाईवे हाईवे सोचा ना था, एक बार शिवल्लभ एक बार देखना वो मूवी. अबे तो अभी इतना कैसा है ना लाइफ में, जो लारा ने वो बोला ना कि बेसिकली तुम अगर एक आदमी का एक परसेप्शन बना लेते हो, या एक आदमी का एक लाइक इफ यू नो राइट कि ये इतने घटिया मूवी, मैं बहुत चांस दिया है उसको, लाइक अगेन नॉट स्पेसिफिकली टू इम्तियाज अली, बट मैं ये पिक्चर देखा है, मैं रॉकस्टार थिएटर में देख रहा था, मेरे ख्याल से रिसेंट यानी क्या बोलते जो आजकल के बॉलीवुड मूवीज है, मेरे को वैसा लगा यार वो लाइक सिर्फ मोहित चव्हाण के गाने रिलीज कर देते एल्बम करके, सेम ही है. आई मीन एक अलग से लाइक इट इज क्या यूजलेस है वो, आई मीन इट इज यूजलेस,
मैं रिलेट ही नहीं कर सकता इनसे पिक्चर से, क्या घटिया पिक्चर बनाता है। तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ ही अगर देखना है या रॉ ही देखना है तो वासेपुर देखो भाई। तुमको रॉ ही देखना है तो तुम गुलाब जाम देखो, जितना इतना सुंदर सीन है त्याच्यामध्ये। तुम्हाला मराठी पिक्चर पाहिजे, तुम्ही इंग्लिश हिंदी मध्ये पाहायचा आहे, हिंदी में अगर देखना है तुमको अच्छी पिक्चर जिसमें स्लाइस ऑफ लाइफ है, फरहान अख्तर, आई अग्री, रॉक ऑन, क्या क्या लाइक इट वॉज अ मूवी अहेड ऑफ इट्स टाइम। मैं जब देखने गया था सबसे पहले थिएटर में, देख के लगा था कि हाँ भाई मैंने भी रॉक बैंड खोलना चाहिए, मेरे को हारमोनियम बजाना आता है, मैं सिंथेसाइजर सीख लूंगा, अपना बैंड खोल लूंगा। तो लाइक दैट इज हाउ यू शुड फील आफ्टर अ मूवी। ये क्या है भाई, मैं ये कुन भक्त मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद इम्तियाज अली, वाहियात पिक्चर बनाता है वो, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, एंड इट्स अ नोन फैक्ट, नॉट इवन यानी नॉट इवन सरप्राइज। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स है जो लोगों को तुम आई मीन पसंद आ सकते हैं, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज व्हाई द मूवी इज मूवी इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। मेरे को लाइक मैं कभी पैसे, जैसे अभी ये अच्छा एग्जांपल है तूने जो बताया कि सोचाना था देख ले करके एक बार जाके, मैं नहीं देखूंगा यार वो। आई मीन मेरे को पता है कि मैंने ये इतने उसने इतने घटिया पिक्चर की है कि मैं वो नहीं देखूंगा पिक्चर, दैट इज द होल प्रॉब्लम। कि उसने अच्छा काम किया भी होगा तो भी मैं नहीं देखूंगा, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं पर शिवल्लभ उसमें एक पॉइंट ऐसा है, अगर तू वो कंटेंट नहीं देखेगा तो वो कितना घटिया है ये तुझे नहीं पता चलेगा। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो मैंने इनफ टाइम दिया ना इम्तियाज अली को कि याने कितना उसका ये जो भी लाइक जो भी पिक्चर देखे, या इवन अनुभव सिन्हा के मुल्क, तुमको मिक्सी करना तो मुल्क भी बोल लो, आई मीन द होल द एंटायर फिल्मोग्राफी इज बेसिकली जस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन ट्विटर या जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, और उससे कुछ नहीं होता। उसके अगर अपन रेवेन्यू नंबर्स देखेंगे तो रेवेन्यू वो हिट नहीं हुई है पिक्चर, तुम देख लो जाके, दे आर नॉट हिट, दे आर जस्ट टॉक्ड अबाउट, लाइक दे आर टॉक्ड अबाउट मूवीज। सो आई मीन दैट्स आल्सो वन वे टू ये। सो नहीं देखने वाले लोग भी बढ़ते हैं, आई मीन दैट इज द होल पॉइंट। ओ हां, मैं को अभी आई थिंक यू थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू सेगवे इनटू द दैट टॉपिक की सब सब अपने अनपॉपुलर ओपिनियन बता दो अभी। Like and Vallabh, you have taken your तेरा account खत्म है अभी, you have ranted, possible ही नहीं है भाई, possible ही नहीं है। तुम लोग के unpopular opinion इतने controversial रहने वाले हैं कि there has to be a rebuttal, you cannot go unpunished, that is the whole point। मेरा एक बहुत unpopular opinion है, I think अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे एंड सचिन पिळगावकर destroyed मराठी इंडस्ट्री फॉर at least 20 years। agreed। एक ही टाइम के पिक्चर बन रहे They have their highlights, but I there is no room for creativity. Yeah, but industry couldn't progress, I think, until Schwarz to, went to Oscar. तू उसमें महेश कोठारे भी ऐड कर, महेश कोठारे भी ऐड कर, कोठारे like why are you missing out? Damn it, Atya Vinsu. Damn it, उसका हमेशा एक डायलॉग था. Damn it, ऐसा हाथ पड़ा है. हर एक मूवी में damn it बोलना ही है उसने. अरे एक मुझे बोलना था कि डायरेक्टर्स में मुझे एक फरहान अख्तर भी ऐड करना था लिस्ट में, क्योंकि वो बहुत एक तो मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ करता है यार बंदा वो। सो यानी मेरे को एक मेंशन करना था फरहान अख्तर और वही जोया अख्तर का जो था, आई थिंक यू जैसे दिल धड़कने तो ऑन द सरफेस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कॉन्सेप्ट, राइट, बट देन आई वेंट इट टू दैट कि उसने वो दिखाया कि प्रिविलेज बंदों का भी ना सेम इशू रहता है फैमिली में, राइट, ठीक है। और right. जब उसमें जो कुछ कुछ डायलॉग्स जो पैक कर किए हैं, जैसे वो एक एक सीन है जो हमेशा आता है कि फरहान अख्तर रहता है और वो कौन है, टकलू, राहुल बोस और प्रियंका चोपड़ा, वो वाला सीन है, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है वगैरह वगैरह, कुछ वुमेन रिग्रेसिव है वगैरह वगैरह ऐसे बोलता है, वुमेन आर ऑपरेस्ड। तो राहुल बोस बोलता है कि नहीं, सब कुछ चेंज हो रहा है, मैंने वो प्रियंका चोपड़ा को हाथ देकर मैंने अपने व्यू को अलाउ किया एंड शी स्टार्टेड अ स्टार्टअप। तो फिर वो फरहान अख्तर बोलता है एग्जैक्टली दैट्स, तुमने अलाउ किया एंड हु आर यू टू अलाउ, दैट्स वेयर यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू अब ये। तो वो जो आपने को नहीं समझेगा शायद, बट ये पॉइंट ऑफ व्यू ना जिनको नहीं समझता ये उसको समझाने के लिए बहुत सही है। जैसे सैराट में भी वो सीन के लिए काफी ये बोला जाता है, सराइट में एक सीन है कि उसने बड़ा किया है कि वो जो झगड़ते हैं उधर जाके, राइट, और वो वापस जाने लगता है, राइट, वो सीन की जरूरत नहीं है मूवी में। बट मैं जब थिएटर में बैठा था ना, तब जब वो झगड़ रहे थे तब एक आंटी सामने की बोल रही थी कि हे बघा असेच करतात पळून जातात आणि म्हणणे यांना काही जमत नाही। फिर वो जब वापस आते तब उसने उस आंटी का सोच बदला कि ये देखो वापस आ रहे हैं। एंड देन जब लास्ट में वो मारता है, दे गेट किल्ड, देन
that movie makes a point ki that even after this, after going through all this, the couple has to face this much just because tumhara class apart hai vagere vagere. So I think wo thoda sa context lagta hai samajhne ke liye, aur jisko wo feeling aati hai unko wo creator acche lagta hai, mere ko to lagta hai. जैसे इम्तियाज अली की काफी पर्सनल फीलिंग्स है यार, यानी मैं लव आजकल 2 के सिर्फ गाने सुन के रह सकता हूँ, मेरे को मूवी का पता नहीं, मेरे को बस उसके लिए मूवी अच्छी लग सकती है. तो वैसे तो फिर अपना ये भी बढ़िया है, अपना क्या नाम है, तो हिमेश रेशमिया और कौन था वो अपना, उसके भी गाने बहुत बढ़िया है, एकदम फील वाले, एकदम इमरान हाशमी. हां इमरान हाशमी, हां वो भी बढ़िया है. क्या इम्तियाज अली हट सॉन्ग्स, उनके जो कॉम्बो बना था तब का उन्होंने काफी हिट सॉन्ग्स दिए. बोल्ड सीन्स डालो और अच्छे गाने डालो, वो चल रहा है, उसका पूरा करियर वैसे बन चुका है. मैं टॉप क्लास म्यूजिक डायरेक्टर. मैं ये नहीं बोला कि उनके उनके गाने खराब है, मैं ये बोला कि उनके गानों से मैं रिलेट नहीं कर सकता, यानी मैं सिर्फ टट्टे में बजा सकता एक बार आ जा. वैसा नहीं, मैं बोल रहा कि तुमको गाने ही चाहिए, आई मीन लाइक दैट इज, दैट इज द हाईलाइट, दैट इज ये. और दिल धड़कने तो मेरे ख्याल से काफी सुपरफिशियल मूवी है, अगेन इट्स नॉट एनीवे. ठीक है, एनीवे चलो चलो फिर आई थिंक रिलेट करने की बात है. जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो स्कूल्स दिखाई है वो अपन ने कोई स्कूल देखी नहीं होगी अब तक. करण जौहर मूवी, करण जो करण जौहर कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्स अलग है, टिपिकल करण जौहर मूवी. But I think Karan Johar acknowledges that. That's a good thing. कि वो बोलता है कि I don't show it because it's real. I show it because it's aspirational. हाँ तो हमारे हेडमास्टर के लिए aspirational है कि ऐसी स्कूल बनाओ. तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर करण जौहर की मूवी सोशल हो सकती है कि वो आइडियल स्कूल कैसे होने चाहिए वो दिखा रहा है गवर्नमेंट समाज को. सुधारक मूवीज विदाउट एन एजेंडा लाइक अनुभव सिन्हा. काफी काफी डीप चले गए अपने डिस्कशन. नाइस नाइस नाइस. आई आई थिंक आई अपना ओपिनियन अनपॉपुलर आई मीन नहीं ऐसा ठीक है. ऑब्वियसली मुझे फॉरेस्ट गंप वगैरह ये सब आईएमडीबी में इतने ऊपर में देख के रखते हैं यार, ये तो मेरे को समझा ही नहीं. सो आई एम लाइक कि ठीक है यार, बहुत लोगों को समझ गई तो मे बी होगा कुछ ज्यादा ही, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा कि कोई भी आईएमडीबी की टॉप वाली लिस्ट ले ले उसमें. ठीक है आई थिंक शॉशैंक रिडेम्पशन है अच्छी मूवी, बट इट इज स्टिल नॉट अ टॉप नंबर वन मूवी. वन नहीं है. हाँ इट इज अ डेफिनेटली गुड मूवी, टॉप 50 मूवी बोल सकते हैं. फॉरेस्ट गंप भी इज अ प्रॉबली गुड मूवी, टॉप 50 मूवी, बट नॉट इतनी ऊपर ना, मतलब वो थोड़ा, बट वही है रेटिंग सिस्टम. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टॉप मोस्ट एक्टर इन दिस कंट्री बाय द वे मामा. हाँ ये एक टॉपिक रह गया था यार बीच में, बहुत मतलब तुम लोग बातें कर रहे थे. आई थिंक इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स थोड़ी सी बैकसीट लेते हैं देन द एक्चुअल स्टोरी टेलर, जो कि मूवी राइट कर रहा है, मूवी डायरेक्ट कर रहा है, सब स्क्रीन प्ले पे लिखा है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो मैं एक मूवी बताऊंगा, चिटागोंग करके एक मूवी थी, आई थिंक 2010 या 12 में वगैरह आई थी, एंड सिमिलरली खेले हम जी जान से बाय अभिषेक बच्चन एंड समर. तो ये मूवी की कास्ट बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है. मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जयदीप अहलावत. सो ऑल ये चारों आई थिंक इंडस्ट्री के आज के टॉप एक्टर्स हैं, जिनको एकदम रॉ इमोशन दिखाना आता है और एकदम, हाँ ये तो यार मेरे आजू बाजू के लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं ऐसा लगता है तुमको देख, एकदम सुपरफिशियल इमोशन नहीं रहते उनके. एंड स्टिल द मूवी बॉम्ब, क्योंकि डिरेक्शन राइटिंग वगैरह बहुत वीक थी मूवी की, बट आई थिंक ये चार लोग क्लियरली वन ऑफ द टॉप एक्टर्स इन द इंडस्ट्री लगते हैं. मैं तो टॉप एक्टर यानी अपने द खान के बारे में बात कर रहा था, कि तेरे को उनकी एक्टिंग के बारे में क्या लगता है. वो तो आई मीन वो ये जो चल गए बेचारे, तो अभी चल गए, मतलब अभी कैमरा पे बोल मामा बोल क्या बोल रहा है तू. मेरे को अनदर ट्रिगर पॉइंट चाहिए ना श्रेयस की तरफ से, वल्लभ की तरफ से आ गया. हाँ मतलब मेरे को
करो ट्राई करो, ट्रिगर करना डिफिकल्ट है मेरे को भी। नहीं वो वल्लभ ज्यादा रोस्ट कर पाएगा शाहरुख खान को, बट हाँ आमिर खान की मूवीज चली वो टाइम पे, जोजीता भाई सिकंदर एंड अदर मूवीज लगान वगैरह, बिकॉज ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग एंड गुड अदर कंपोनेंट्स दैट बाउंड द थिंग्स टुगेदर, रादर देन जैसी फुद्दू स्क्रिप्ट आ गई, क्या नाम है उसका, धूम थ्री, या फिर देयर इज अभी एक मूवी बाकी में, तो पिट गया ना वो। मतलब वो कितना भी कुछ एक्टिंग अच्छी नहीं करता है, बट अगर लोगों को लगता भी होगा कि अच्छी करता है तो भी पिटी गई मूवी। ओके तो तेरा अनपॉपुलर ओपिनियन यानी क्या, तेरा अनपॉपुलर ओपिनियन इज फॉरेस्ट गंप एंड शॉशैंक आर नॉट दैट ग्रेट। शॉशैंक यस 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 मेरे को लगता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप आई वुड डिफेंड फॉरेस्ट गंप अ लिटिल बिट आई थिंक, क्योंकि जस्ट दैट मूवी गिव्स होप अ लिटिल, यानी वो उसका पॉइंट ही वही है कि दोनों का पॉइंट वही है वैसे, शौशांक और इसका, कि होप देती है। सो रादर मेरे को जब इस पे आई ओटीटी पे लाल सिंह चड्ढा, दैट आल्सो आई फाउंड एक्सेप्टेबल, जितना मेरे को खराब ये लगा था वैसे फॉरेस्ट गम के कंपेयर में तो नहीं थी, बस एक्टिंग और जो ये था ना, जस्ट दैट फील ऑफ द मूवी इज गुड, तो मेरे को हाँ ऑब्वियसली आईएमडीबी टॉप 10 वगैरह तो नहीं लगती मेरे को, बट आई थिंक फॉरेस्ट गम उतनी भी खराब नहीं है। हाँ खराब नहीं है, अग्री अग्री। और शौशांक के डायलॉग्स देयर इज नो मैच, ट्रू ट्रू, जिस तरीके से मूवी मस्त, इट टेक्स इट्स टाइम बट मतलब वो बिल्ड होते रहता, तुम पैसे धीरे 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 करता है वो। बट मेरे को मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन तो काफी कंट्रोवर्शियल है वैसे, आई थिंक फाइट क्लब काफी टट्टी मूवी है। अपने को पूरे वर्ल्ड ने ऐसे मटेरियल थिंग में इन्वॉल्व करके रखा है, तो अपन ने को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, यही पॉइंट है ना मूवी का। आई मीन was it not the point, I'm just asking agar mama was no ho sakta hai, but ha na any point to tha mama, ya fir mera understanding hai bata mama matlab wo defend karne ko fight lagta hai, yahi point hai na main puch raha hu, to main bol raha ki agar usi point ke liye movie banayi thi to there were simpler ways to make that movie than ek fake character aise usko sapno mein dikh raha hai wagera, mere ko wo utna zyada jaane ki zarurat nahi thi aisa laga। वो बॉम्बे की फेवरेट मूवी है इसलिए मेरे को ट्रिगर करने को उसको ज्यादा, ये वैलिड रीजन है, ये वैलिड रीजन है। एग्जीक्यूशन पे बोल सकते हैं, बट हां मामा आया वाला तुमको कुछ बोलना बता, मेरे को एक ही पॉइंट था फाइट क्लब पे, वो मैं बोल देता हूं पहले कि मतलब उस होल मूवी का पॉइंट मेरे को जो लगा कि बेसिकली इट्स अ वेरी वाइट मेल वाला मूवी है एंड टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज, कि हर एक जनरेशन का कुछ ना कुछ कॉज रहा है, तो वी आर द मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, मतलब अपना कोई पर्पस नहीं है, इसलिए हम भी शायद एक पॉडकास्ट करें कि अपने पास कोई ग्रेट वॉर नहीं है, कोई ग्रेट डिप्रेशन नहीं है, अपना एक स्पिरिचुअल वॉर है, अपनी लाइफ ही अपनी सबसे बड़ी डिप्रेशन है, कि वी ग्रिव अप थिंकिंग कि हम कुछ करेंगे तो लाइफ में बढ़ा के उठाएंगे, लाइक अवर जनरेशन द ओनली पर्सन इन विच एवरी वन फील्स कि हम यूनिक है एंड वी आर एंटाइटेड टू बी मिलेनियल्स, मतलब देखो भी लगता है जो इस कॉल को देखेंगे उनको भी लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, इनको मुझ पर कुछ नहीं बता, तो दैट इज अवर जनरेशन। एंड अब अपने को पता चल रहा है जो आई थिंक वी आर इन दैट फेज की बड़े होने के बाद सब सॉर्ट नहीं हो जाता, एंड वी आर स्लोली लर्निंग दैट फैक्ट एंड वी आर पिस्ड ऑफ, बस वही पॉइंट है मूवी का कि गुस्सा है वो बाहर निकालना है, इसलिए फाइट क्लब है और कुछ नहीं। तो इट्स अ मतलब हो सकता है एग्जीक्यूशन सही से नहीं है, बट अपने जनरेशन का प्रॉब्लम वो है कि सबको लगता है कि हम मचाएंगे और हम मचा नहीं पा रहे, और वो अंदर एक बहुत फ्रस्ट्रेशन है जो पिछले के जनरेशन में नहीं रहा, क्योंकि दे हैड सम डिस्ट्रैक्शन लेट्स से, तो अपने जनरेशन के पास नहीं है, पैंडमिक हो सकता है बट डोंट नो। हाँ वो मेरा पॉइंट था, बट घर पर एक भी ला सकते हैं, वो चैट में भी डाल रहे, बट वल्लभ मामा वल्लभ पे ट्रिगर होता है वो, हाँ
नहीं यार देखो पॉइंट हुई है आई थिंक दैट वाज माय लादा यू कैन ठीक है और किसका है अनपॉपुलर ओपिनियन तारा का क्या है अनपॉपुलर ओपिनियन हाँ मेरा है बट वही आई थिंक मैं बोल दूं क्या मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है पता नहीं अनपॉपुलर है लोग सोचते नहीं यू शुड ऑलवेज सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द हाइप अबाउट द आर्ट मतलब जो मामा ने भी बोला या तूने भी बोला कि यू हेट फाइट क्लब बिकॉज बॉम्बे लाइक्स इट अ लॉट उसमें फाइट क्लब की कुछ गलती नहीं है वल्लभ हेट्स नोलन क्योंकि मैंने उसको बहुत हाइप किया तो वी शुड आई डोंट हेट नोलन और यू डोंट लाइक हिम एज मच अगर सपोज मैं हाइप नहीं करता तो बेसिकली अपनी तरफ से क्या होता है ना कि हम कोई मूवी देखने आते हैं अगर मूवी की बहुत तारीफ हो गई तो अपने मन में वो एक्सपेक्टेशन थे कि मूवी का जितना सही रहेगा जबकि वो मूवी ने कभी बोला नहीं कि मैं इस टाइप करूंगा सेम विद शाहरुख खान भी ले लो तो शाहरुख खान ने नहीं बोला कि पठान 1000 करोड़ का बनेगा बट बिकॉज नाउ इट बिकेम पठान इज गेटिंग अननेसेसरी हेट तो मुझे लगता है कि वी शुड लुक एट मूवीज एंड वी शुड रियली सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द हाइप अराउंड इट क्योंकि अपना थोड़ा सा एक यहाँ पे हम सब आए अपने ओपिनियंस के साथ तो वी फील अबाउट इट स्ट्रांगली डजंट मीन कि वी आर राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग मतलब सब्जेक्टिव वाला जो वाला ना डाइवर्सिटी वाला पॉइंट है एंड आई थिंक यू शुड डिफेंड योर फेवरेट थिंग्स विदाउट एनी गिल्ट मतलब जब है तो है मतलब वो भी पसंद है तो है मतलब पॉपुलर ओपिनियन के पीछे मत जाओ अदरवाइज मूवीज बनाने का कंसेप्ट ही वो है कि दे आर नॉट सपोज टू कनेक्ट विद एवरीवन जो उस टाइप के डायरेक्टर्स है उस टाइप के ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं तो ट्राई टू फाइंड मूवीज विच यू लाइक डोंट जैसे अपने जनरेशन में हो गया है कि मार्वल मूवीज आर द कूल थिंग टू डू मतलब वकांडा फॉरएवर दिख रहा है और मराठी मूवीज नहीं दिख रहा है आई फील वेरी सैड अबाउट इट कि द डिसाइपल जो घाटपुर में बना इतनी सुंदर मूवी है मतलब वो नेटफ्लिक्स पे भी देखा तो भी लगता है तो बट वो मूवी तुमने देखनी चाहिए कि तुमको लगता है ये टाइप की मूवी आपको पसंद है कि तो देखो तो आई थिंक वो लॉस्ट हो गया सोशल मीडिया में हम हाइप्ड मूवीज देखते हैं कि ये मूवी सही रहेगी इस मूवी के लिए मैं थिएटर में जाऊंगा जस्ट वॉच मूवीज नॉट मूवीज जस्ट वॉच थिंग्स यू लाइक प्रॉब्ली इट मैट बी एन एक्टर यू लाइक इट मैट बी एन डायरेक्टर यू लाइक क्योंकि उस मूवी में 2 मिनट का एक पोर्शन रहेगा जो तुमका इतना हिट करेगा जो तुमको 200 मिनट की वेब सीरीज देखे भी नहीं आएगा तो वॉच इट फॉर दैट 2 मिनट मतलब जरूरी नहीं कि तुमको पूरे 3 घंटे सही लगेगा वॉच इट फॉर दैट 2 मिनट हो सकता है उस डायरेक्टर ने अपने 50 साल की जिंदगी वो 2 मिनट के डायलॉग लिख दे और वो भी तुमको मिल गया तो इट्स वर्थ इट मतलब 200 रुपए में ज्ञान बढ़ रहा है तो ले लो आई थिंक थिएटर जाने नहीं जाना है बट यार आई थिंक ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम द मूवी एंड वैसे लोगों को ढूंढो नॉट कि विच इज ट्रेंडिंग व्हाट इज ऑल्सो ये मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन कि हमने भी आई थिंक मथुरा दास वाला मैं तो देखूंगा आज बॉर्डर मेरी बॉर्डर फेवरेट मूवी थी वैसे भाई की मतलब अनइक्विवोकल पैट्रियोटिज्म भाई है तो है मतलब गदर ने जो कर दिया ना गदर वाला भी नहीं था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद खत्म मतलब उस टाइप पे वो लग रहा है तुकाराम एक मिनट तुकाराम एंड तुम 20 साल बाद फिर वापस देखोगे तो हाँ प्रॉब्लम उस टाइम मेरे को शाहरुख खान मूवीज अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उस टाइप का इंसान था तो द मूवीज यू लाइक स्पीक अ लॉट मोर अबाउट यू देन अबाउट द मूवीज वो मेरे को लगता है तो इसलिए जस्ट वॉच वॉट यू फील यू वॉन्ट टू वॉच एंड डोंट बी एपोलॉजेटिक अबाउट इट मतलब अगर तेरे को अपना कसर सही लगता है तो सही लगता है बट अगर कोई गाली दे रहा है तो गाली दे रहा है क्योंकि उसको भी वैलिड लग रहा है तो इट्स फाइन बट हाँ यही था मेरा आई थिंक और नेक्स्ट अभी वल्लभ तू बता सकता है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके बारे में करेंगे या फिर कुछ और टॉपिक्स होंगे तो मेरे को लगता है एक टॉपिक तो अपने को डेफिनेटली मिल गया है और पैनलिस्ट भी सबको मिल गया है वो है कि मराठी मूवीज एंड लाइक मराठी वेब सीरीज या इवन मराठी ड्रामास या व्हाटएवर द मराठी मूवी एंटायर थिंग आई थिंक गारपुर हैज समथिंग टू से बिफोर वी रैप अप हाँ वो अभी जो श्रेयस का पॉइंट था ना कि हाइप वालों के हमेशा ओपिनियन रहना चाहिए वैसे ओपिनियन के चक्कर में अपने 2-3 घंटे निकल जाते हैं अब जो एकदम रैंडम कोई अच्छी मूवी बुरी मूवी कोई भी हो वो वैसे पुल देशपांडे का डायलॉग है तुम्हारा कौन आया था उनका ये था नागपुर कर मुंबई कर पुणे कर वैसे तो पुणे में अगर रहना है तो हर चीज पे ओपिनियन होना जरूरी है तो ऐसे ही है कि अगर सोसाइटी में रहना है तो मूवी पे ओपिनियन होना जरूरी है भले ही आता थे आई यूज दैट इन मराठी कि तुम्ही भले ही उंदीर मारणाऱ्याच्या विभागात जरी असले या भले ही रैट 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 क्या किल करने वाले डिपार्टमेंट में हो लेकिन यूएस के इकोनॉमी पे आपको ओपिनियन रहना बहुत जरूरी है वैसे ही जरूरी है भी तो ये अच्छा सेगवे कि मराठी और आई थिंक वी शुड हैव अ डेडिकेटेड डिस्कशन फॉर पु ल देशपांडे नहीं पुल देशपांडे जाज्वल्य अभिमान हवा बट आई थिंक हाँ पु ल देशपांडे का एक आई थिंक एक पूरा एक रह सकता है आई थिंक मराठी मूवीज एक रह सकता है पूरा देयर आर इनफ पीपल हियर बट आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक
will be very much in line with growing up wala thing. Jaise movies have been a very important part of our life growing up. I think one of the common thing jo hamara first circle hai jisme ho raha hai ki people have gone through a lot for their 11th 12th ka preparation. Like padhai karo rat race mein bhago wala. To I think agla topic career choice ya not career choice jo tha उसमें रहेगा कि चॉइस कैसे नहीं था या तुमको पता था क्या तुम क्या कर रहे हो वगैरह पे. सो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप स्टडीज एंड हाउ यू डेल्ट विद इट एंड स्पेशली योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग योर इंजीनियरिंग एमबीए व्हाटएवर यू चूज इन लाइफ. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द मूवी थिंग. वील कम बैक विद द मूवी एपिसोड्स अगेन मोर ऑफ देम फॉर मराठी स्पेसिफिक हिंदी स्पेसिफिक साउथ इंडिया स्पेसिफिक हॉलीवुड स्पेसिफिक बट द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन ग्रोइंग अप सीरीज. सो होप टू सी यू ऑल अगेन. बाय 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 बाय.